रंग शीर्ष जयदेव नाट्योत्सव के इस तीसरे सत्र में आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की नाट्य समिति रंगायन की ओर से मैं श्रीधरम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नाटक और हमारे बीच में बस चंद लम्हा बाकी है। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि पधार चुके हैं, उनके बारे में क्या कहूँ। जैसा हमारा रंगायन है वैसा ही उनका व्यक्तित्व है, रंगों से भरा हुआ। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहाँ में आदमी अपनी जगह। तो ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हमारे आज के माननीय अतिथि हैं। हम आपका सर आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के इस मंच पर स्वागत करते हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन जी वैसे तो इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी है कि उनका परिचय दूं तो बहुत लंबा समय होगा। बस इतना कहूंगा कि बास्केटबॉल के जुनून से उनकी बचपन की यात्रा शुरू हुई थी और फिर सेंट स्टीफेंस से उन्होंने स्नातक किया, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और फिर वहां से ऑक्सफोर्ड तक एमफिल पीएचडी करते हुए डब्ल्यूटीओ जैसी संस्था में तमाम बड़े पदों को आपने सुशोभित किया है। विश्व व्यापार संगठन में उप महानिदेशक के साथ साथ विभिन्न पदों पर रहते हुए आपने कई देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में जो कूटनीतिक कामयाबी हासिल की वह अब इतिहास बन चुकी है। आप विभिन्न व्यापार सलाहकार समितियों के सदस्य रहे हैं और आप अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में मानद प्रोफेसर के पद पर भी रहे हैं। एक बार मैं पुनः सर आपका स्वागत करता हूं इस मंच पर और आदरणीय हमारे प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी से आग्रह करूंगा कि उनका आज हमारे इस मंच पर स्वागत सम्मान करें। हमारे बीच हमारे गवर्नमेंट आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन पवन जंगी जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे गवर्निंग बॉडी के ट्रेजरर श्री प्रवीण सेठ जी हैं, मैं उनका यहां स्वागत करता हूं और प्राचार्य जी से आग्रह कि उनका स्वागत करें, वे पहली बार इस मंच पर आज पधारे हैं। हमारे बीच इस फेस्टिवल के सूत्रधार रंगशीर्ष जयदेव तनेजा जी भी पधार चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। बाकी औपचारिकताएं हम नाटक के बाद करेंगे। ये जो नाटक है मन्नु भंडारी की प्रसिद्ध कृति महाभोज, इसका निर्देशन किया है चर्चित निर्देशक सुमन कुमार ने। चंद शब्द मैं इस नाटक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यह नाटक पहले उपन्यास के रूप में 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसे खुद मन्नू जी ने 1983 में नाटक के रूप में प्रकाशित किया और इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के रंगमंडल द्वारा मार्च 1982 में हुआ था। महाभोज राजनीति पर आधारित यथार्थपरक नाटक है। महाभोज नाटक समाज की दुर्दशा और विभाजन को उजागर करने का कार्य करता है। मन्नू भंडारी का महाभोज नाटक अपने नाम को पूरी तरह से सार्थकता प्रदान करता है। यह महाभोज अर्थात बड़ा भोज किसी खाने को लेकर नहीं बल्कि व्यक्ति वर्ग की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। इस नाटक के बारे में स्वयं मन्नू भंडारी ने लिखा है कि राजनीति के सिर्फ एक रूप को ही नहीं दर्शाया गया है, अपितु अपने प्रयासों के माध्यम से इसमें अनेक
रूपों, अनेक चीजों, अनेक आयामों का को उजागर किया गया है। मनु जी ने एक बार लिखा है इस नाटक के बारे में कि महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला है। तो आइए हम चलते हैं सुमन कुमार निर्देशित नाटक और मनु भंडारी लिखित महाभोज, जिसकी प्रस्तुति रंगायन के हमारे कलाकार करने जा रहे हैं। मैं रंगायन के कलाकारों को इस शेर के साथ मंच पर मंच सौंप रहा हूं कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमा, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। बिस्मिल को याद करते हुए Thank you.
मार पीटिया चोट का कोई निशानी। अरे खुद ही
शरीर में छोटा था, राजा ने कैसा मरे सके? हीरा बतावत रहा, रात में तो घर में ही सोया और सुबह ओकी लाश पुलिया। सरकार की मांग अमर कोनो लेन देन नहीं, हमका नायक लड़का मर कोनो लेन देन नहीं। लेन देन कैसे नहीं, तुम्हें कुछ जल्दी पड़ी नहीं लाश देखन की? तुम तो थाने तले घसीटे जाओगे और तुम जाओ गांव सरोवा शहर से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 मील, लेकिन कुछ साल पहले तक यही दूरी बहुत ज्यादा थी। गांव में जो कुछ होता गांव में ही होकर रह जाता, शहर उससे एकदम बेअसर, बेअसर और अलग। लेकिन कुछ महीने पहले दूरी एकदम सिमट कर रह गई। महीने भर पहले जो गांव की सरहद के पास हरिजन टोली है, वहां की कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी आदमियों सहित। अगले दिन लोग जब दौड़े दौड़े वहां पहुंचे तो झोपड़ियां राख में बदल चुकी थी और आदमी कबाब में। दौड़े दौड़े लोग जब थाने पहुंचे तो उस दिन थानेदार साहब छुट्टी पर थे। उस दिन के बाद ना जाने सबको कैसा जहरीला सांप सूंघ गया कि सबके मुंह सिल गए। सबके मुंह से निकला बस एक गुस्सा, एक नफरत भारी तनाव बनकर हवा में यहां से लेकर वहां तक सनसनाता। शहर में बार वालों ने इस खबर को खूब उछाला, विधानसभा में भी जमकर हंगामा। ये बिंदा कौन है? बिशु का साथी है क्या? कई सब चुप से हो गए, कोई खास आदमी लगता है? अरे खास वास कुछ नहीं है, हरिजनों को भड़काने वाला गुंडा है ये। आकर फिर गए किसी काम से, लेकिन तुमने क्या गुड़िया बना रखा है भाई? सीधा सरोवा से चला आ रहा हूँ, वहां आज फिर एक हत्याकांड हो गया। अच्छा, सरोवा में लाश मिली है सवेरे सवेरे। सरोवा में किसकी लाश?
कोई विशेषण नाम का आदमी था, बिसु कहते थे सब। अच्छा, ये देखो शरीर पर कोई चोट या घाव का निशान तो नहीं है। ओके, आसपास कोई हथियार भी नहीं मिला, यानी नॉर्मल डेथ। नॉर्मल? सरवा में आजकल कुछ नॉर्मल रह सकता है भला? अभी तो पत्ता भी खड़केगा तो एक घटना हेडलाइन बने ऐसी न्यूज, चुनाव की सरगर्मी जो शुरू हो गई है। अरे चुनाव क्या, दंगल पहलवान क्या, काड़े का दंगल ही समझो तुम इसको। भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुखुल बाबू खड़े हो रहे हैं कम ठोककर। अरे वैसे ये विशेषा कौन? वहीं के खेत मजदूर का लड़का है, हरिजनों का हमदर्द कहते थे। अच्छा, चाहो तो लीडर भी कह दो। हरिजनों का लीडर? वाह, अरे ये मामला तो चुल पकड़ेगा। अरे दो अंकों का मसाला पक्का। ये बताओ पुलिस वुलिस पहुंची थी या नहीं वहां पर? अरे पिछली बार तो साला हद ही कर दी थी, 9-9 लोगों को जिंदा जला दिया गया था और 2 दिनों तक पुलिस के नाम पे एक थाकी टोकी तक नहीं दिखाई दी। अरे नहीं नहीं, इस बार सारे काम फटाफट हो गए। लेकिन 9 आदमियों वाली घटना, इतनी भयंकर घटना थी ना, गाँव से लेकर विधानसभा तक तहलका मचा दिया था। लेकिन हुआ क्या, किसी को सजा होना तो दूर, 15 दिन के अंदर अंदर सारी बात गायब ही हो गई एकदम। गायब नहीं हुई नरोत्तम बाबू, गायब कर दी गई। इसे कहते हैं राजनीतिक करिश्मा, जो अपने होता ही रहता है। लेकिन इस बार बात को दबाना इतना आसान लगता नहीं है। सुकुल बाबू इतना तूल जो देंगे इस घटना को, पर देखना इसी चक्कर में हरिजनों के काफी वोट खटक लेंगे। यू आर राइट। वैसे भी सुकुल बाबू के मुकाबले में लखन को खड़ा करके मुसीबत को मोल लिया दास साहब ने अपने लिए। अरे उनके अपने मंत्रिमंडल के लोग असंतुष्ट हैं फैसले से, देखना इतने दंड पेलने पड़ेंगे दास साहब को इस चुनाव में कि छठी का दूध याद आ जाएगा। ओहो भाई देखो, ये तो जाना है घर। वैसे जाने से पहले ये बताओ ये खबर जाएगी कौन से पेज पर? अरे हाँ भाई, ये तो वैसे देखना पड़ेगा। अंक तो लगता है सारा कंपोज हो चुका है वैसे। ये खेल खिलाने वाला पेज रह गया। अरे क्या बात कर रहे हो, वो कोई कुश्ती में थोड़ी मारा गया था जो खेल खिलाड़ी में दोगे। सुनो, खबर फ्रंट पेज पर ही जानी चाहिए, समझे? फ्रंट पेज क्यों, तुम्हारे लिए एडिशनल से जोड़ देता हूँ। तुम भी यार। अरे भाई लो दत्ता बाबू और आ गए। बाबू साहब बैठो, अरे समझाओ इसे। प्रणाम दत्ता बाबू। तुम शुरुआत से कब लौटे? सीधा वहीं से चला आ रहा हूँ, पर ऐसी खबर लाया हूँ, भवानी पर एडिशनल पेज डालने की कह रहे थे। एडिशनल पेज क्यों, गुलाटी निकले क्या भवानी तुम्हारी? तुम्हें पता भी है कहाँ से आ रहा हूँ? एलाइट इंडिया वालों क्या कहा था, उन्होंने पिछला पैसे नहीं दिया और अगले अंश बार बंद करने के लिए कह दिया। अरे पर इस इनका तो विज्ञापन जा चुका है। अरे तो जाता रहे, वो पैसे नहीं देंगे, और अगर यही हाल रहा ना सेल का तो इस अखबार को बंद होते देर नहीं लगेगी। अरे मुझसे जितना बन पड़ता है दौड़ धूप करके इस अखबार को चला रखने की कोशिश करता हूँ, पर इस घाटे के सौदे को आखिर कब तक खींचा जाए, कब तक? मैं तो कहता हूँ अगले अंश अखबार 12 पेज का कर दो, 16 पेज का अखबार छापने का ना हमारे पास साधन है ना ढंग का मैटर। लेकिन दत्ता बाबू इलेक्शन के टाइम पे ऐसा फैसला कहीं हमें भारी ना पड़ता है। अरे इलेक्शन के दिनों में पैसे का पेड़ पर लगते हैं। मैं तो बस इतना कह रहा था, चुनाव का टाइम है, इस टाइम पर मैटर भी खूब मिलेगा और सेल भी ऐसे बढ़ेगी कि बस पूछिए मत। स्टैंड पर आप कोई स्टैंड तो लीजिए। अरे यहाँ खड़े होने के लिए पांव की जमीन नहीं है और तुम स्टैंड लेने की बात करते हो, बच्चे हो भी तुम। चाय? अरे एक चाय और लेकर आओ। जी साहब। वैसे किस खबर की बात कर रहे थे तुम? सरोवा में सवेरे सवेरे गुलिया पर बिसु नाम के आदमी की लाश पाई गई है। कौन है ये बिसु? हरिजनों का कोई लीडर वीडर था। अच्छा, कहीं आगजनी की घटना से तो उसका कोई संबंध नहीं? मुझे तो ये लगता है कि हो सकता। तुम क्या सोचते हो भवानी? मैं सोचता हूँ अखबार के 4 पेज और कम कर देने चाहिए। तुम्हारे ख्याल से इस हत्या में किसका हाथ हो सकता है? मेरा नहीं है, बाकी लोगों का वो जाने। अरे बस भी करो भवानी, तुम तो जरा इसी बात पर तुनक जाते हो। क्या तुनक जाते हो है? क्या तुनक जाते हो? जब भी कोई ऐसी घटना घटे जिसको लेकर एक बढ़िया सी स्टोरी तैयार की जा सके तब आप अखबार के पन्ने कम करने की बात कर देंगे और फिर उसी मैटर पर शिकायत। नहीं तो और क्या करूँ? अरे एक एक करके आमदनी के जरिए बंद होते जा रहे हैं, सही वाले टाइपोंडी वाले कागज वाले हर वक्त सर पर खड़े वसूली करने के लिए। नहीं तो और क्या करूँ, खर्चा घटाने की बात तो करूँगा ही। वैसे ये सब छोड़ो, तुम बैठो। अपनी कॉल चाय मंगवाई। हाँ लो चाय पियो।
अब बताओ वो एडिशनल पेज में क्या आइडिया तुम्हारा? देखिए, इस घटना के कारण सुकुल बाबू की इस अदब की खिचड़ी पे निश्चित रूप से जोर का उबाल आएगा, इसलिए हम सोच रहे थे कि अपनी तरफ से भी थोड़ा मिर्च मसाला मिलाकर एक पुलाव तैयार किया जाए और उसे अपने एडिशनल पेज पे सजाकर घंटा जनार्दन को परोस दिया जाए। हाँ देखना, हेडलाइन होगी, सरोहा में सवेरे सवेरे पुलिया पर पाई गई एक आदमी की लाश। तेरी की, इसे देख लो, इतनी सवार हेडलाइन। हेडलाइन तो होगी, सरोहा में हुई फिर एक रहस्यमय हत्या, पुलिया पे लाश मिली, गांव में मची खलबली। अरे हेडलाइन हमेशा कैची होनी चाहिए जिसे पढ़ती लोग अखबार खरीद ले। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने मैटर से कुछ नहीं होने वाला। तुम एक काम करो, वापस सरोहा जाओ और मैटर इकट्ठा करो। अरे थोड़ा जल्दी जाओ, आने के लिए जाओ, तूफान निकल लौटो। अरे अरे अरे, एक मिनट, कल सवेरे तक मेरे को सारा मैटर और ये तीन फोटोग्राफ, एक लाश का, एक रोते हुए माँ बाप का, हर एक डरे समय लोगों का, ये सब मेरे को मिल जाए तो इसी अंक के साथ पेपर निकाल देंगे। चलो नरोत्तम, ऑल द बेस्ट। यस सर। बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट सुकुल बाबू के नाम पड़ जाएंगे। क्यों क्यों, रावर के सिवा ये काम कौन करवा सकता है? पुलिस अभी तहकीकात ही कर रही है और तुम नतीजे पर भी पहुंच गए। लखन नहीं पहुंचा, सारा गांव कह रहा है और अखबार में भी छपा है। हाँ, कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है। जुट जाएंगे इस बार प्रमाण भी, पीसू का दोस्त बिंदा कसम खाकर बैठा है। जुट जाएंगे तो सजा पाएगा अपने जुर्म की। वो तो सजा पाएगा अपने जुर्म की, लेकिन इससे बड़ी सजा तो हम पाएंगे, वो भी बिना कोई जुर्म किए। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, एक ही मूर्खता का फल दूसरे को भुगतना पड़ता है। और आप है कि इस मूर्ख का पल्ला पकड़े हुए हैं, मारा है गरीबों को तो भुगतने दीजिए चोरावर को। नहीं चाहिए हमें उसके वोट, आमदनी के चक्कर में हरिजनों के वोट तो गए थे, अब गांव के दूसरे लोगों के वोट भी नहीं मिलेंगे। माथे पर कलंक, आत्मा पर बोझ, सो अलग। अच्छा तो इन्हें शांति से नाश्ता करने देगा या नहीं? लखन का नाश्ता, ये सब इसके गले कहाँ उतरता है, किसी बन के आएगी। अभी आगजनी की घटना को किसी तरीके से संभाला था हमने, घरेलू उद्योग योजना ने मरहम बन के घावों को भर भी दिया था काफी हद तक। इन्हीं सब में चुनाव हो जाते तो ठीक था। कैसी बातें करती हो भाई, गरीबी पर मरहम लगाया जाता है आर्थिक सहायता से, पर प्रियजनों से बिछड़ने के दुख पर नहीं। खैर, मौके पे बीसू को मरवा दिया, अब कुछ नहीं होने का, सारा हिसाब लगा कर देख लिया मैंने। भाई तो चुनाव में क्या खड़ा हुआ, तेरा मन तो सारा दिन हिसाब किताब के आंकड़ों में उलझा रहता है। तो सही किया है जोरावर ने, किसी को मरवा देने को सही कहेंगी आप? तूने ना हद कर दी लखन, 15 साल का था तू, तब से दास साहब का थैला उठाए उठाए उनके पीछे चलता था। अरे चुनाव में खड़ा हो रहा है, पर इनके स्वभाव का धीरज और ठहराव नाम का भी नहीं आया तुझमें। दोष इसका नहीं है, उम्र का है भाई, लेकिन राजनीति में आवेश नहीं चाहिए, राजनीति चाहिए धीरज और विवेक। आएगा, पद पर बैठोगे तो जिम्मेदारियां स्वयं सिखा देंगे। कहाँ रखा है पदवद, ये बीचों की नहीं समझ लीजिए, मेरी हत्या हुई है मेरी। 10 तारीख को मीटिंग का ऐलान हो गया है सुकुल जी की तरफ से, खुद आ रहे हैं भाषण देने के लिए। जानते तो हो सुकुल जी के भाषण का करिश्मा, आग उगलते हैं आग, गांव वैसे ही सन्नाया बैठा हुआ है, एक ही भाषण में बहा कर ले जाएगा। लेकिन मसाल वालों को भी छूट मिली हुई है उल्टी सीधी चौंबर की खबर छापने की, देखिए तो एक पेज का सप्लीमेंट इस मामले की घटना के, ऐसे अखबारों पर तो पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है भाई, अखबारों को तो आजादी होनी ही चाहिए, वही तो हमारे कामों का असली दर्पण होते हैं, पर अपनी साहस, अपनी छवि देखने का साहस भी होना चाहिए। पर कोई सीमा तो होनी चाहिए ना,
चुनाव के मौके पर ऐसी झूठी सच्ची बातें बुनाना कहाँ की नैतिकता है? कैसे कैसे पार छापे थे आग देने की घटना की ओर, अब क्या चुप रहा जाएगा? आने दीजिए मसाल का गलंग। अरे भाई कुछ ठंडा पियो तुम, आलसे का शरबत पिलाओ इसे, उसकी तासीर ठंडी होती है। और कुछ खा भी ले, कैसे भन्ना रहा है भूख के मारे। देखो तेरे नाश्ते की क्या खबर है बिट्टू। क्या नाम था उस लड़के का तुम्हारा? विशेषर, विशु कहते हैं गाँव वाले। अभी 8 महीने पहले ही तो वो छूट कर आया था ना, सुकुल बाबू के समय में 4 साल जेल काटी है उसने। आपको कैसे मालूम? भाई मालूम तो करना ही होता है, वरना जिस पद पर बैठा हूँ उसके साथ न्याय कर सकूंगा भला? सुना इस केस के सारे कागजात डीआईजी सिन्हा तक पहुँच गया, आपने कोई बुलाकर इशारा नहीं किया? मैंने कहा है कि रिपोर्ट खुद ही तैयार कर दे। भाई पुलिस वालों का काम है कि ईमानदारी से बयानों और प्रमाणों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें। यदि हम ऊपर से कोई आदेश देंगे तो वो न्याय कर सकेंगे भला? दास साहब अगर रिपोर्ट तैयार करते समय कुछ, मैंने कहा ना कि पुलिस वालों का काम है बयानों के आधार पर रिपोर्ट का तैयार करना। तो डीआईजी सिन्हा प्रमोट हो रहे हैं, अब तो आप बुलाकर इशारा करें। लखन, कर्मचारियों को इस तरह से आदेश देना उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। आखिर इन्हीं परिस्थितियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमने इतना संघर्ष किया और तुम? अपनी आकांक्षाओं पर लगाम दो लखन, वरना मेरे साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। जी साहब, ये फाइल। मिट्टू, चुनावी दौरे का सारा कार्यक्रम निश्चित हो गया है। सरोहा में भाषण कब रखना है? चुनाव के कुल 4 दिन पहले। सरोहा में अगर पहले रख ले तो? आप जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। अब आप कह रहे हैं तो पहले ही रखना है साहब, सुकुल बाबू की मीटिंग 10 को है, अपनी 14 को रख लेते हैं साहब। भाई जाना तो चाहिए ही, गांव में एक दुर्घटना हुई है, उसके माँ बाप को भी सांत्वना देना जरूरी है। क्या फरमाया साहब आपने? अरे माता जी, भाई अपने हाथों से खिलाना तो इनका सबसे बड़ा सुख है। अब कहीं तो हम भी अपना सुख ढूंढेंगे ना। दास साहब, सवेरे सवेरे डीआईजी का फोन आया था, क्या बताया? भाई सब अपने अपने को लेकर परेशान है, वो भी प्रमोशन के लिए छटपटा रहा है, स्वभाव है आदमी का, और चाहिए और चाहिए। पर डीआईजी का प्रमोशन तो रुक गया था ना? नहीं रोके हुए था अब तक, उसने कुछ ज्यादतियां करी थी पर बेचारा क्या करता, ऊपर से आदेश आया तो उसने पालन किया। ये गुलामी आत्मा का श्रेय तो कर ही देती है। वैसे आदमी तो अच्छा ही था, हम भी क्या करते के मामले में? क्या करते हम भी, ऊपर से आदेश आया था कि तबादला करो, ये ऊपर का चक्कर ही बुरा होता है। वैसे साहब एक अर्ज है मेरी, घरेलू उद्योग योजना घर घर जाकर समझा दी गई है, अकेले सरोहा से 150 फॉर्म भर कर लाए हैं। लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? कुछ लोगों के मन में तो बहुत उत्साह है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये सिर्फ कहने सुनने वाली बातें हैं, कुछ होएगा अब आएगा नहीं। साहब क्यों ना हम इसी बीच उद्घाटन कर दें? सही कहते हो भाई, पैसा तो पहुंचा ही देना चाहिए, वरना ये कागजी योजनाएं विश्वास तोड़ देती हैं लोगों का। पर दो बातों का ध्यान रखा गया है ना, पहला तो इस योजना में पंचायत करना है, भाई असंतुष्ट हैं लोग पंचायत से, और दूसरा इस योजना का अधिक से अधिक लाभ खेत मजदूरों और हरिजनों को ही मिलना चाहिए। आप निश्चिंत रहें साहब, सरकार पैसा सीधा हरिजनों और खेत मजदूरों के हाथ में ही देगी। जोरावर के गले कांप उतरेगी ये बात। जोरावर की चिंता तू हमारे लिए छोड़ दे। वैसे सरोहा के हालात देखते हुए जोरावर का बीच में ना आना ही ठीक होगा साहब। जयराम जी की दास साहब। जोरावर, जोरावर। यमुना बहन क्या बात है, सारा कुंबा आज यहीं बैठा है। अरे आओ जोरावर, तुम्हारी कमी थी बस, भाई 10-12 दिन से तो तुम आए ही नहीं, लगता है चुनाव का सारा बोझ तुमने अपने कंधों पे ले रखा है। हम क्या बोझ लेंगे जमुना बहन, दास आप खुद ही सामर, और फिर ये पांडे जी। नहीं सवेरे कैसे आना हुआ जोरावर, कोई खास बात? मंडी से वसूली करनी थी, हाथ बीज भी लेना था, तो सोचा आपसे भी मिलते चले। देख रहा हूँ तुम्हारी तो चाल ही उल्टी जा रही है। हम क्या किए दास साहब, जो चाल उलट गई हमारी? इनका मतलब था पहले तुम बाजार बाद में जाते थे, पहले इनसे मिलते थे, आज तुम बाजार का काम पहले करने हैं फिर इनसे मिलने, तो कहेंगे नहीं तुम्हें? ओह, अब आप तो जानती है जमुना बहन, किसान का पहला धंधा खेती। अच्छा ये बताओ सरोहा में इस बार हवा किधर की है? अरे हवा ससुरी कहीं की भी हो, जोरावर है हम, जा चाहे वहां मोड़ दे। हाँ हाँ, सरोहा की हवा तो जोरावर अपनी मुट्ठी में रखते हैं, क्यों जोरावर? पर आप लोग रहने कहाँ दोगे? अब आप ही सोचो दास साहब, इन हरिजनों के बाप दादा हमारे बाप दादा के सामने पीठ झुका कर खड़े रहते थे, झुके झुके पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाया करती थी, पर आप लोगों ने इतना सर चढ़ा दिया है कि ससुरे आजकल आंख में आग गाड़ के बात करते हैं।
हमसे नहीं सहा जाता ये। देख लिया दास साहब, ये रवैया इनका हरिजनों के लिए। आज भी ये लोग चाहते हैं खेत मजदूर गुलाम बनकर के पैरों के नीचे रहे। अब ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, उनका हक उन्हें देना ही पड़ेगा। लखन तू तो ऐसे कह रहे जैसे सारा का सारा हक अकेले जोरावर की जेब में हो। अब तू क्या जानता नहीं, दास साहब की चिंता भी तो यही है ना। कुछ कदम उठाए हैं सरकार ने, कुछ और भी उठाएगी, गरीबों को उनका हक दिलवा के रहेगी। अरे जहाँ हक दे वहीं रो रही है सरकार। आए दिन हड़ताले जुलूस तोड़फोड़, ससुरा काम नहीं करना चाहता कोई, सबको बस हक चाहिए। देखना दास साहब, एक दिन हक ही हक रह जाएंगे इनके पास, काम धाम नहीं होगा। एक बात कहें आपको, बुरा मत मानेगा, आप लोगों के लिए ये खेत मजदूर और हरिजन तो चुनाव जीतने वास्ते वोट भरे, लेकिन हमारे लिए मजदूर है, हमारे हमारे खेतों में काम करते हैं, हमारे बिना इनका गुजारा तक नहीं। और एक दो सुखलुआ माधर, फिर वही गंदी जबान, क्या करें गाली ही निकलती। बड़ा कानून बनाया था ना उसने अपने राज में, सारे कर्जे माफ, सारे भैयों से नाम काट दो। अरे हजारों के नीचे तो हम आ गए, पर फिर शादी ब्याह मरण मौत, अरे वो आदत आ गया करता देने, जमीन पर लोट लोट कर नाक को हमारे आगे रगड़ी ना ससुरों ने, आखिर मामी काम है। कब आता हो सुकुलवा? ठीक कहते हो तुम, इसीलिए मैं ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता हूँ कि उन्हें कर्जा लेना ही ना पड़े, भाई आर्थिक रूप से आजाद होकर ही वो समाज में समानता का अधिकार पा सकेंगे। चार आने हाथ में आ जाने से जात ऊंची नहीं हो जाएगी उनकी, हमारे साथ बैठकर हुक्का पानी पियेंगे। दास साहब ऊंच नीच है तो रहेगी, जमाना बदल रहा है जोरावर, जमाने के साथ बदलना सीखो। जो बातें आज से 30 साल पहले होनी चाहिए थी वो आज भी नहीं हो रही है, दुर्भाग्य है इस देश का। अरे बदल रहा होगा जमाना, जहाँ बदल रहा होगा, अमाए होते हुए सरवा में नहीं बदल सकता जमाना। इस भरोसे मत रहना, बीसू की मौत को लेकर कितना तनाव था गाँव में, देखा नहीं चारों तरफ पोस्टर चिपकाए गए हैं। बीसू, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं आप, काम धाम था नहीं आरामी के, जहर खा कर नहीं मरता तो भूखा मर जाता, पर उससे हमें क्या। विरोधियों का ऐसी बातें करना समझ में आता है, पर अब आप लोग भी जल्दी तो साहब जा रहे हैं सरोहा, जाकर खुद बात करेंगे तो सारा तनाव ठीक हो जाएगा। आप आ रहे सरोहा कब? अरे भाई कार्यक्रम में तो सबसे आखिर का था, अभी 14 को ही आएंगे। आओ आओ, ऐसा स्वागत करवाते हैं आपका, मुख्यमंत्री खुद गाँव में आ रहे हैं, अब इससे बड़ा मौका और कौन सा होगा। तुम हमारी योजनाओं में सहयोग दो तो ज्यादा अच्छा होगा। आप तो ऐसे कह रहे जैसे जोरावर कोई पराया हो, अब अपने साथ नहीं देंगे तो क्या बाहर वाले आएंगे? पर पहले ये चुनाव का बेड़ा पार तो लगे। वो तो लगेगा ही जमना बहन, उसकी फिक्र आप क्यों करती हैं? पांडे जी आप भी आएगा साथ में, मिलके तैयारी करेंगे। भाई मैं तो साथ ही चल रहा हूँ। ये आपने अच्छी बात कि आप भी साथ आ रहे। ससुराल सुकुलवा के लौंडे लपाड़ों ने गाँव में ऐसा आतंक मचा रखा कि बस आप आओगे तो वो भी सीधे हो जाएंगे। जरा अपना पलरा भी दोबारी हो। जयराम जी की दासा, चलो पांडे जी। आज थोड़ा बेसुरा बोल रहा था जोरावर। पैसे ने अहंकार तो दिया पर संस्कार नहीं। पर तुम भी उतना ही खींचो जितने में डोर टूटे नहीं। राजनीति में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है तुम्हारी, साथ नहीं देगा तुम्हारा। लखन गरीबों के लिए हमदर्दी है तुम्हारे मन में, अच्छी बात है, पर सही बात को कहने का ढंग भी सही होना चाहिए और समय भी सही। हमें काट कर तो फेंकना नहीं है जोरावर को, सुधारना है। ये सुधरेंगे, रवैया देखा है इनका, सदियों पुराना संस्कार है, छूटने में समय लगेगा। भाई खेत मजदूर और हरिजनों के वोट तो फिर नजर हमेशा अपनी हार जीत पर ही मत रखो लखन। तुम्हारा आज का आवेश देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे साथ चलना चाहते हो तो जुबान पर लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए। मेरे लिए राजनीति धर्म नीति से कम नहीं, मेरे साथ चलना चाहते हो तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो, निष्ठा से अपना कर्म किए जाओ बस। गीता पढ़ते हो या नहीं? पढ़ा करो, चित्त को बड़ी शांति मिलती है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन मा कर्म फलेतु भूर्मात् षडोत्सव कर्मणि। Thank you.
मैं मसाला लेकर आदमी रहा, दो दिन से मार पीछे पड़ा है। आप जिन्हें जो फरमान 20 इकट्ठा किए रहे वो कम मसाल में छापन खातिर दे दे। अब तो हम मुंह सोचे थे संजा ने जाकर खुद ही संपादक को दे आए। आग लगी उन सबूतन मां मसाल मनाई चूल्हे में झोंको उनको। एक जान तो ले ली, अब और कितने जाने ले। हम नहीं जाए दे तुमका, अरे तुम तो जाना तो जोरावर उसके लटे फिरा रहती खबर आता था तुम्हारे कामन की। तो रखन दे रखन दे, हम नहीं डरते कोनों से। अब कोई नहीं रोक सकता तुमका, विष्णु का अधूरा काम अब हम ही पूरा करें। अरे आप भुला दियो विष्णु दादा की बात, उनका नाम न लिया उनका। हम तो कहते हैं गांव छोड़ दे, हमका नहीं रह का आया सात लेब तू पर भी गवाए। देख रहे हो मैं इस बाबू इस औरत को, जिस दिन झोपड़िया में आग लगी उस दिन का गुस्सा देखते। दो ही दिन तक अन्न का दाना मुंह तक नहीं लगाया था इसने, हमारे पीछे पड़ी रही। कहा है आकाश पताल छानी की नहीं पकड़ लाते हत्यारे को, और 20 से ज्यादा तो ईएम पर कहते रही सारे प्रमाण लेकर दिल्ली काहे नहीं चले जाते, और ये खेती बाड़ी घर गृहस्थी में बैठ रहे थे। अरे अब जो बोली ना तो मार जूता के छोड़ दियो हमका, हम तो राज जोड़ा तेरे बिंदा, तू अपन खेती कर। बिंदा रुकमा शायद ठीक ही कह रही, इन हालातों में तुम्हें सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। आवेश में चीजें समझने का टाइम कहां दे रहा है महेश बाबू, ये कोई तुम्हारा चीजें लिखना थोड़ी ही है, जो लिख के जाओ महीने पे महीने लगाए जाओ, ये काम तो अभी होना है अभी। विशु की मौत का ये अल्लाह सुन रहे हो, विशु के नाम के नारे खूब उछलेंगे, पर देखना विशु और आगजनी सब धक्का रह जाएगा चुनाव के सुरदंग में। पर अब ये बिंदा तुमने नहीं देखा, विशु का क्या अब नहीं बच सकता हमारे हाथ से। बिंदा तू कहाँ खेती कर पा बैठे पर बचा पड़ो। अरे अब बुलाए दियो विशु दादा की बात का, जय वाला तो चल गा पर हम तो मैं जिंदा है ना। अरे चुप कर जरा धीरज से काम लो बिंदा, विशु जैसी व्यक्ति की मौत के बाद ये हंगामा और तुम्हारा दुख मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अरे मेरा तो कुछ समय का ही परिचय था विशु के साथ, सोचा नहीं था कि गांव में मुझे विशु जैसा व्यक्ति मिलेगा। मुझे भी तो कितना दुख है उसकी मौत का। बस सिर्फ दुख है, तुम तो जवान आदमी हो खून नहीं खोलता तुम्हारा। अरे खून खोले भी तो बताओ क्या कर सकते हैं हम, तुम गुस्से में अगर किसी को मार भी आए तो उससे क्या समस्या हल हो जाएगी। जुर्म का जवाब जुर्म नहीं होता बिंदा, जब तक हमारी व्यवस्था में ये जाति भेद ये अमीर गरीब। छोड़ो ये किताबें महेश बाबू, छोड़ो ये किताबी बातें, बताओ कौन मिटाएगा अमीर गरीब का ये भेद। तुम तो डेढ़ महीने से साइकिल पे यहाँ से घूम घूम कर किताबें पढ़ पढ़ कर गाँव जा नहीं रहे हो, चीज़ें लिखोगे गाँव पर, ऐसे जाना जाता है गाँव। अरे गाँव जानना है तो जुड़ो यहाँ के लोगों के साथ, शामिल हो उनके दुख दर्द में, लिखो सरकारी रेट में मजदूरी मांगने पर से आदमियों को जिंदा चला दिया गया, और जब इस जुल्म के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई की कोशिश की तो मार दिया उसे कुत्ते की मौत। लिखो ये बात जीसस मां छपा। बस हो गए चुप, तुम जीसस लिख रहे हो नौकरी पाने के लिए बड़ा ओहदा पाने के लिए, हम गरीब गांव वालों की चिंता है ये किसे। नहीं बिंदा बात दरअसल ये है कि हमें इजाजत नहीं। कैसी इजाजत, विशु को थी इजाजत, हमको है पर जानना नहीं चाहिए का। नहीं जाने के चाहिए, जान के क्या कर लिए विशु दादा, कौन जुलम जाती है निगे की गरीब बनकर आसमान मिल गया। उनकी जिंदगी जरूर है मिट्टी हो गई, पर अब आप तो कौन आते पर नहीं जाने। अरे तू कौन है करो पाली, विशु की मौत कौन
रखिएगा। कानून और पुलिस है बिस्मर्ज की दवा, लेकिन ताजुब, ताजुब तो मुझे इस बात पर हुआ कि किसी पर उंगली तक नहीं उठाई। सजा तो दूर की बात है, बड़ी आसानी से सारा मामला दबा दिया गया। बताओ सरकार, हमारा दुख मुला से जानत नहीं। चुप। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पूछता हूँ, क्या बीसु की मौत के बाद चुप रहना संभव है? समय की बात तो अपनी जगह थी ही, पर मैं चाहता भी नहीं था जी। अरे उस समय मेरे पास बोलने के लिए था ही क्या, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मेरे शासन काल में ये होगा वो होगा, भाई ये गा गे गी वाली भाषा मुझसे बोली नहीं जाती। पहले कुछ कर लो फिर उस पर बात करो, ये खुलकर टिप्पणी करनी चाहिए, राजनेताओं की निंदा करनी चाहिए। तो फिर आप सुविधा से समय दें अभी, बहुत जरूरी है इंटरव्यू। जी दास साहब, मैं तो सोचता हूँ आप अपने दूसरे कर्तव्यों के बारे में भी इतना सोचें तो बेहतर नहीं होगा तत्ता बाबू? जी जी, राजनीति में खास करके प्रजातंत्र में बहुत जरूरी महत्व होता है पत्रकारों का जी, यदि वो सही ढंग से निभाया जाए तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने दास साहब, बिल्कुल। भाई लोगों ने भरोसा करके कुछ जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं, चाहता हूँ कि उन्हें पूरा करो, पर सहयोग और मार्गदर्शन चाहिए आप जैसे बुद्धिजीवियों का। अरे दास साहब आप हुकुम तो कीजिए। हुकुम जी, मेरे हुकुम पर चलकर आप अपना वजूद रख सकेंगे? भाई आपका काम है कि खुलकर टिप्पणी करिए, हम गलती करें तो निंदा कीजिए। भाई हम तो कबीर के दोहे के कायल हैं, निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी बनाए, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल करे सुखाए। वाह वाह वाह, कोई परेशानी हो तो बताइए। जी दास साहब परेशानी तो है लेकिन, लेकिन? कहिए कहिए। देखिए दास साहब, अब मेरा मतलब है कि सही भूमिका निभाने की भी कुछ अनिवार्यताएं होती हैं। जैसे? जैसे अब हमारे अखबार को ही ले लीजिए, इससे हमारी निष्ठा भी नहीं आजीविकता भी जुड़ी होती है, और ये निष्ठा बनी रहे इसका काफी उत्तरदायित्व तो सरकार को भी जाता है। तो आप चाहते हैं कि आपके अखबार सरकार चलाए? अरे नहीं नहीं दास साहब, ऐसी बात नहीं, चलाए नहीं, लेकिन इतनी सुविधा तो दे कि वो चलते रहे। सुविधा? कैसी सुविधा? आप नहीं जानते दास साहब कि बिना सरकारी विज्ञापन और कागज के पूरे कोटे के बिना मशाल को अपना अस्तित्व बनाए रखने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। पर मैंने तो कागजों और विज्ञापनों पर से सारी पाबंदियां हटा दी थी। अरे दास साहब बीच के लोग
फाइलबाजी और भी बहुत सारे चक्कर होते हैं भाई। ये बीच का चक्कर ही बुरा होता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी समय मिले खुद जाके लोगों से मिलूं, उनके परेशानियां जानूं। वैसे दत्ता बाबू, मैंने आपके अखबार के कुछ अंक पढ़े, इतना सनसनीखेज और चटपटा होता है गरीबों का दुख उनकी तकलीफ। नहीं दास साहब, आप दरअसल गलत समझ रहे बात है। देखिए जो हुआ मैं उसकी सफाई नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना याद रखिए कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी कतई नहीं होता है भैया। हमें केवल स्वतंत्रता ही नहीं मिली है, कुछ जिम्मेदारियाँ भी मिली हैं, इस बात का आप ख्याल दीजिए। जी जी, तो ठीक है दास साहब, तो फिर आज्ञा दीजिए हमें। हाँ, आप कुछ कागजों की बात कर रहे थे। जी जी दास साहब, ये लीजिए आपके लिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया दास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई हमसे भी मिलने आया कीजिए कभी कभी। जी हमारा और आपका संवाद बना रहना चाहिए, आप आईना है हमारे, थोड़े धुंधले हैं पर बुरा मत मानिए। नहीं नहीं दास साहब, ऐसी बात बुद्धिजीवियों से कुछ अधिक की अपेक्षा कर लेता हूँ मैं। सिन्हा साहब। यस सर। सर ये रिपोर्ट। अच्छा, सरोहा की रिपोर्ट। यस। तो क्या कहती है? अच्छा सर, पंडित बैठिए सर। तो क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? सर इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। इसी तरह का कोई संदेह? नो सर, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल सीधा केस है। फिर सरोहा में इसको लेकर इतना तनाव क्यों? मैंने सुना है कि पुलिस के डर के मारे लोग बयान नहीं दे पाए हैं, क्या ये सच है? नो सर, बिल्कुल नहीं। देखिए यदि पुलिस से जनता डरती है तो वो शर्म की बात है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। मिस्टर सक्सेना सर, मैं चाहता हूँ कि आप सरोहा जाकर इस मामले की तहकीकात फिर से करें। बिल्कुल सर। और सर देखिए सिन्हा साहब, मेरी कोई संदेह नहीं है आपके काम पे मुझे, पर यदि गांव वाले के मन में कोई शंका है तो हमें उसे भी दूर करना होगा। मिस्टर सक्सेना जी सर, एक बात का ध्यान रखिए कि गांव वालों के साथ कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए, इस तरह बर्ताव कीजिए कि वो खुलकर अपनी बात कह सके। हमें विश्वास जीतना है लोगों का, और इसके लिए जरूरी है कि आप अपना ये आतंक जमाने वाला पुलिसी रवैया यहीं छोड़कर जाएं। आप निश्चिंत रहिए सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट कर सकूं। मुझे नहीं, वहां के लोगों को। मीटिंग के टाइम 14 को मैं सरोहा जा रहा हूं, वहां कहकर आऊंगा और उसके अगले ही दिन आप अपना काम शुरू कर दीजिए। जी सर। और एक बात याद रखिए, यूँ तो गांव वाले बड़े ही सीधे और सरल होते हैं, पर यदि मन में जहर घोल दिया जाए तो बड़े खतरनाक भी हो जाते हैं, सावधान रहिए। जी सर। जी, आप लोगों की तारीफ। जी मैं महेश शर्मा और ये बिंदेश्वर प्रसाद, हमें नरोत्तम बाबू ने भेजा। अच्छा, नरोत्तम ने भेजा? जी जी। कहिए क्या बात है? आप शायद जानते हैं बिस्सू की हत्या का असली कारण क्या था। अच्छा। उसने आगजनी वाले मामले के प्रमाण जुटा लिए और वो उस मामले को फिर से खुलवाना चाहता, बस उसे मरवा दिया। अब वे ही प्रमाण इनके पास है। बीसु की हत्या, इसका कोई प्रमाण है आप दोनों के पास? प्रमाण? प्रमाण क्या करेंगे, ये तो सच्चाई है, आपने तो खुद ही छापा मसाल में। अरे जरूर छापा है, लेकिन केवल एक अनुमान था, पुलिस की रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि लड़के ने आत्महत्या की है। आत्महत्या? हाँ आत्महत्या। जरूर आई होगी, पुलिस ने तो आगजनी के मामले में भी रपट दी थी, किसी ने आग नहीं लगाई, सब पे सब खुद ही जल के मर गए। बड़ा शौक रहा उन्हें मरने का। चलो महेश बाबू। देखिए पुलिस अभी हर बात को दबा रही, लेकिन आपका फर्ज बनता है ना कि आप बातों की तह तक जाएं, तभी तो मिस्टर। देखिए
सरोहा अफवाहों का केंद्र बना हुआ है इलेक्शन के कारण। हर छोटी से छोटी बात को तूल दिया जा रहा है। अरे यहाँ कम से कम 10 लोग आते हैं एक से एक सनसनी खबर लेकर। मशाल यूं ही सबको छापने लगा तो हो गया? मशाल एक जिम्मेदार अखबार है। बात क्या है? अरे मशाल में कुछ छपवाना चाहते हैं। हमें नहीं छपाना, आप ही का आदमी पीछे पड़ा रहा। अच्छा ठीक है, जो लाए हैं रख जाइए, बहुत विशेष के बाद भी तो छाप देंगे। जानते भी हैं इसकी कीमत, एक आदमी ने जान दे दी के खातिर, और आप कहते हैं कि चलो महेश बाबू ये दो कौड़ी का संभाल क्या समझेंगे। किसको बोला? निकलो बाहर। दो कौड़ी के लोग निकलो। अरे चक्कर क्या है, और ये लोग कौन थे? बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था। अरे चक्कर है तुम्हारे नरोत्तम का, और कुछ नहीं सूझा उसे तो इन्हें यहाँ भेज दिया। वैसे छपवाना क्या चाहते? अरे कहने लगे आजादी के प्रमाण है लोगों के पास। अरे ऐसी लोगों का किसी बात का भरोसा किया जा सकता है? ये तो शक्ल से ही गुंडा लगता था। वैसे नरोत्तम ने भेजा है तो जरूर कुछ बात तो होगी, से कम एक बार देख तो लेना चाहिए। अरे नरोत्तम को आदमियों की पहचान है, कोई जानता नहीं इलेक्शन के दिनों में कितना सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। वो छोड़ो, तुम कहाँ चले गए थे? कहाँ नहीं था यही रुकना? अरे आखिरी फॉर्म ओके करके मशीन पे चलाने का बात भी काफी इंतजार किया। अरे आखिरी फॉर्म मशीन पे चला दिया? अरे मशीन रुको जाकर एकदम से। अरे भाई मशीन रुको, मशीन रुको, मशीन रुको। अरे बात क्या हो गई है, कहीं दस साल में पेपर तो नहीं बंद करवा दिया? बैठो भाई बैठो। देखो भवानी, हम अक्सर घटिया स्तर की खबरें छापते रहते हैं, क्या करें मजबूरी हमारी। लेकिन दास आपकी आज इस मुलाकात से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की काफी हद तक इंतजाम कराया हूँ। क्यों, दास साहब ने कोई हुंडी समा दी है क्या? अरे कागजों का डबल कोटा मिल जाए तो हुंडी समझो। कागज का कोटा, वो भी डबल? और नहीं तो क्या, चार विज्ञापनों का वादा, चार का ही आश्वासन, उनके पीए का आश्वासन, मतलब पक्का ही समझो इन्हें भी। अरे आपने ये सब करवा लिया, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। और नहीं तो क्या, आधे घंटे से झट मर मतलब काफी ढंग के आगे निकले था साहब भी। देखो भाई वो तो ढंग के निकले, लेकिन अब मशाल को भी ढंग से निकालना होगा। ये मसाले वाले पुलाव बंद एकदम, बहुत ही अब गंभीर रूप देना होगा इसे अपन। अरे लेकिन हमारे संघ में तो ऐसी कोई बात नहीं की गई है, बल्कि काफी अच्छी सामग्री दी है ना विशु की हत्या को लेकर। हत्या? तुम लोगों की इसी जल्दबाजी के कारण तो परेशान रहता हूँ मैं। अभी दो टके की घटना परिशिष्ट निकालने के लिए मजबूर किया मुझे, पर जानते हो हकीकत क्या है? आत्महत्या की है लड़के ने। आत्महत्या? हाँ आत्महत्या। आपको कैसे मालूम? दास साहब ने बताया। अरे दास साहब क्या बताएंगे, वो तो मैं वहां से निकल रहा था तभी डीआईजी सिन्हा से भेंट हो गई। उन्होंने फटकारा भी मुझे कि बिना रिपोर्ट के हत्या कैसे छाप दी, जबकि इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। और फ्रंट पेज और संपादिका दोनों बदलने पड़ेंगे। ठीक है, आप चिंता क्यों करते हैं, आने दीजिए रिपोर्ट, बस कल का सारा दिन और रात लगेगी हत्या को आत्महत्या करने के लिए। और महेश को आपने अपमानित करके बाहर निकाल दिया? अरे लेकिन मुश्किल से बनाया था मैंने उन्हें आने के लिए। नरोत्तम ऐसे बेहूदा आदमी को तुमने भेजा ही क्यों? जानते हैं कितने जरूरी कागजात लाए थे वो अपने साथ? आगजनी के प्रमाण। छाप देते तो 9-9 लोगों को जिंदा जलाने वाला हत्यारा उजागर हो जाता, इतना बड़ा काम होता मशाल के द्वारा, फिर सरकार भी नहीं दबा सकती थी इस मामले को। लेकिन नहीं, आप लोगों के लिए तो अहमियत रखते हैं मंत्रियों के प्रेम प्रसंग, कौन किसके साथ सोया, किसने किसके साथ बलात्कार किया। क्यों क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो भाई, अगर इतना ही कुछ जरूरी बात थी अपने साथ लिया तो उन्हें, वो लोग तो बस यहाँ पे आके उल जलूल की बातें किए जा रहे थे। ये सब तो बहाने हैं, उस खबर को छाप सके इतनी हिम्मत ही कहाँ है आप लोगों में। आप लोगों के साथ रहकर ये तो समझ ही चुका हूं मैं, आप लोगों के लिए अखबार का मतलब है सिर्फ धक्का। नरोत्तम ये मशाल का दफ्तर है, कोई झंडू खाना नहीं, और मशाल एक जिम्मेदार अखबार है, कोई झंडू खाना नहीं जो बेसिर पैर की खबरें छापता रहे, समझे? अरे लानत है, लानत है मुझ पर जो अब एक दिन भी और इस अखबार के साथ छोड़ा रहा। तो दास साहब आते होंगे, दास साहब समय के बड़े पाबंद है, चाहो तो घड़ी से घड़ी मिला लो। आज का कार्यक्रम 5 से 5:15 बजे तक दास साहब का स्वागत, फिर 5:15 से 6 बजे तक उद्घाटन, फिर 6 बजे हमारा धन्यवाद का भाषण। एकदम सही सही। अरे चलो भाई चलो। अरे काशी यहाँ नहीं चलेगा ये सब, जो कचू गड़बड़ की ना तुम्हारे लौंडे ने आज के दिन। अरे भैया गड़बड़ और हम कैसी बातें कर रहे हो, हम तो केवल मौन विरोध प्रकट करने आए हैं। अब जैसे ही दास साहब आएंगे हम अपने काले झंडे निकालकर सिर्फ नारा लगाएंगे, उड़दंग जरा भी नहीं। नारा देकर मौन विरोध होगा? अरे भैया मौन विरोध में नारे बाजी तो चलती है क्यों? जो कुछ करना है उधर मंच पर करवाओ, यहाँ पंचायत घर में कोई टंटा पकड़ा नहीं। अरे एक को बात बताओ, दास साहब जिस योजना का उद्घाटन कराने आ रहे हैं उसमें ना तो तुम हो और ना ही तुम्हारी पंचायत, तो काय इतनी चलकूद कर रहे हो भैया? अरे योजना ससुरी की ऐसी की तैसी, सरवा में आज तक कोई काम हुआ है सरवार के बिना, समझे?
सरोहा की जनता को मेरा प्रणाम। बिसु का घर कहाँ है? हम पहले वहाँ जाएंगे। जी सर साहब, कार्यक्रम तो पहले पंचायत घर जाने का था ना। अब पंचायत घर चलो दासा, बिसु का बाप वहीं आ जाएगा। स्वागत का कार्यक्रम तो आपको पंचायत घर में रखवाया। हम यहाँ स्वागत करवाने नहीं आए हैं, सांत्वना प्रकट करने आए हैं। पर सर उधर जाना बिना सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के? भाई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की क्या जरूरत है, अपने ही लोगों के बीच में आया हूँ मैं। चलो। यस सर। का प्रोग्राम बनाया पांडे जी? अरे प्रोग्राम तो तुम्हारे कहे मुताबिक ही बनाया था, यहाँ फेर बदल कर दी तो हम क्या करें? अरे जीना बुलवाया है आता ही होगा। हीरा को बुलवाओ। अरे हीरा आगे विष्णु की मौत का सुना हमने, बहुत अफसोस है। अपने आप को संभालो, अपने आप को धीरज दो हीरा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन मैंने सुना है कि आगजनी में बर्बाद हुए परिवारों के लिए हीरा बहुत दुखी था। हम सभी हैं, पर अब जो हुआ है उसे अलहुआ तो नहीं किया जा सकता। हमने कुछ फैसले लिए हैं। आगजनी में बर्बाद हुए परिवारों के लिए 5,000 रुपया सरकार देगी। और ये रुपया तुम खुद अपने हाथों से सबको दोगे। ठिठोली ना करो काशी भगत, भेजा बहुत गरम हो रहा हमार। अरे भैया हम ठिठोली काहे करेंगे हाँ? अरे हम तो तुम्हें समझाने आए, तुम्हें इतना वक्त हो गया दास साहब के साथ काम करते करते, लेकिन लगता है तुम उन्हें अच्छी तरह पहचाने नहीं। ये राजनीति है भैया राजनीति, और राजनीति में तो ये सब चलता ही रहता है। देखो तुम्हारे कितने सारे लोग हैं दास साहब के पीछे पीछे। अरे तुम भी जाओ, गाँव में मुख्यमंत्री आए और मुख्य सरपंच गाय हमसे ना जा भगवान के पीछे पीछे, तो कर जिसको जरूरत होगी वो खुद ही हमारे पास आएगा। खैर सो तो है ही, अब तुम्हें ना ही देखेंगे तो खुद ही बुलावा भिजवा देंगे। दादा 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 क्या है? दादा दादा दासा भाषा में हीरा को अपन पास में बिठाई है और फोटो में फोटो खिंचाई रही है। तुम भी चलो दादा। क्या बात कर रही हो, दादा को ना ही बुला रहे लो। अरे ये तो आधी हो गई, तुम्हारी जगह तो हीरा को बिठा लिया दास साहब स्टेज पे। अरे माना कि हरिजनों को खुश करने का जरूरी है, पर ये का ये मतलब थोड़ी कि बात बात में तुम्हारी बेइज्जती करें। अरे ना अभी बुलाया तो कौन सी हमारी जात चली जाएगी, और मलाल तो इस बात का है कि कल से हरिजन ससुर और सीना तान के निकलेंगे हमारे सामने से। अरे भाई अब हरिजनों को तो खुश रखने का पड़ी, इसके बिना गुजारा जो नहीं। और वैसे भी राज नहीं करना क्या दास साहब को? आज राजा हो गए पर कल तक हमारे बिना घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये तब कुर्सी के नीचे रहे दास साहब, और अब कुर्सी के ऊपर, तनिक समझो बात को। ठीक है पर ये चुनाव नहीं जीतना क्या दास साहब को? जोरावर के बिना सरवा जीत कर तो दिखाएं। अरे देखो भाई जोरावर, अब दास साहब को लगता है कि तुम तो अपने ही आदमी हो, अगर थोड़े बहुत नाराज हो भी गए तो कहां ही जाओगे, लेकिन हरिजन हरिजन बिगड़ गए तो बस इसी चक्कर में तुम्हारी थोड़ी बहुत बेइज्जती करते रहते हैं। अब तुम भी आदत डाल लो। जो हमें मान दे उसके लिए जान हाजिर, पर कौन हमारे बेइज्जती करे तो वो इतना जान ले कि जोरावर की नसों में भी पानी नहीं बहता। अरे तो क्या कर लोगे, सुकुल बाबू को वोट दोगे? सुकुल बाबू उसका तो तुम नाम मतलब हमारे सामने, हम अच्छी तरह से जानते हैं उसे। अरे हम तो उसका गांव में घुसना बंद करवा दे, याद नहीं कैसे पिछली मीटिंग में सूरत लेकर चला गया था। अरे भैया सुकुल बाबू लाख बुरे क्यों ना हो, उनमें हजारों कमियां हो, पर कभी भी उन्होंने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा और ना ही कभी तुम्हारी बेइज्जती की। और रही बात दास साहब की तो तुम खुद ही देख लो, अरे अगर उन्हें तुम्हारी थोड़ी भी चिंता होती, तुम्हारी थोड़ी भी इज्जत करते तो तुम्हें ही खड़ा ना कर देते सरोवर से। लेकिन नहीं, वो 2% का लखनवा जिनका इतना सगा हो गया कि उसको चुनाव के लिए खड़ा कर दिया, वो भी तुम्हारे इलाके से। अरे ये तो हद ही हो गई भैया, अरे वो जानते नहीं है बेदाग बादशाह ठहरे सरोवर के। अरे अपनी बादशाहत की फिक्र हम खुद कर लें, तुम्हारा कलेजा काहे जल रहा है, तुम्हारी सारी तगड़मबाजी हम अच्छे समझते हैं, वो तो गाँव के नाते थोड़ा लिहाज है इसलिए।
दादा साहब कह रहे भाषण में कि बीसू के मामले में शहर से बड़ा अफसर आई है और फिर से तहकीकात हुई है। बैठ जाओ ना, टांग तोड़ के हाथ में दूंगा। अरे अपना गुस्सा गाय इस बेचारे पर निकाल रहे हो। हाँ जा बेटिया, जा जाके भोपू पे भाषण दो, जा। अगर दास साहब के कहने से बड़े अफसर गांव में आ रहे हैं, इसका तो एक को मतलब है कि मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। अब तुमने कौन झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया दास साहब से? हाँ अगर किया भी है ना तो ये जान लो कि मैटर इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। आगजनी का मामला फिर खुलेगा और वो मामला खुला जो करना है करे, हम भी देख लेंगे। अरे क्या देख लोगे, कौन तो रख चाले तुम्हारे पास, हमारे लोग वोटे नहीं देंगे, करा लो चुनाव। हे भगवान, तुम्हारी ये मूड बुद्धि इतनी लेट डूबेगी तुम। अरे अगर तुमने अपना हाथ चुनाव से पीछे खींच लिया तो सुकुल बाबू की जीत तो पक्की। अरे तुम्हें तो ताकत हो दास साहब की, फर्ज करो अगर तुम ना भी जीते और लखन जीत गया तो उसका रुख तो तुमने देख ही लिया है। अरे सुकुल बाबू से अच्छा नहीं उसका ना तुम्हारे लिए, खासकर जब दास साहब ने अपने नजरें फेर ली तुमसे। देखो भैया, अब सुकुल बाबू का मेंबर होने के नाते हम तो इतना ही कहेंगे कि अपना हाल चुनाव से खींच लो, लेकिन नहीं, हम आप ठहरे तुम्हारे सुचिंतक, तुम्हारे गांव वाले, तो हम तो तुम्हें एकदम सही सलाह देंगे, सही और सटीक। देखो इस चुनाव में मुश्किल से 50-60% वोट होने हैं, उसमें से 35% तुम्हारा एकदम पक्के, एक भी नहीं टूटे वैसे। बस अब तुम चुनाव लड़ लो। काशी राजनीति बाजी थे हमारे बस का रुक नहीं। भैया अगर चुनाव जीत गए ना तो दास अब अंगूठे के नीचे रहेंगे, आगे पीछे घूमेंगे पहले की तरह। और रही बात बादशाह की, अगर बादशाह करनी है तो राजनीति में आगे की जा सकती है। अरे काशी तुम तो बिल्कुल जरा के शुभ चिंतक निकले। जिनके बयान होने हैं वही भीतर आए, एकदम इकल्ला समझे। और जो कौनू किसी ने गड़बड़ी करी तो एक एक के भूल छोड़ दूंगा समझे। तुम बाहर का समारो, भीतर काम देख लेंगे। फिकर ना करो साहब। जिनके बयान होने उनकी फाइल लेकर आइए। सर सर, उनकी बयान आप पहले ले चुके हैं, उनकी फाइल भी लेकर आइए। सर सर, मोहन सिंह से चेक कीजिए। यस सर। सब आ चुके हैं सर? बाकी सब तो आ गए पर वो बिंदा है ना, चार बार आदमी भेजे लेकिन कौन मिल रहा? सर गांव का बिल्कुल छटा हुआ बदमाश, बहुत खतरनाक, लेकिन मेरे रहते आपको डरने की जरूरत नहीं। ठीक है मोहन सिंह। यस सर। आप जाइए और बिंदा को लेकर आइए, कहिएगा कि हमने बुलाया है, बहुत अदब से पेश आइएगा। जी सर। आप बाकियों को बुलवाइए और इसके साथ एक आदमी भेज दीजिए। सर अरे इनके साथ जाओ। चलो डो दिन दिन के बयान है, सब आओ जल्दी आओ। सर जी, मिस्टर शर्मा जी, हीरा। तो जोगेसर लास्ट को तुमने किस समय देखा? सरकार यही भोर कोई 4-5 का समय रहा होगी सरकार। 4-5 का समय, उस समय क्या करने गए थे उधर? सरकार उधर हमारा मटर का खेत है ना सरकार, वही देखने गए थे। लाश को देखने के बाद तुमने क्या किया? अरे हम तो एकदम डराए गए सरकार, उल्टे पैर लौट के बापू खबर दी, बेकार में खुदे को फसावा, चुपे आगे चले जाए मुरा ससुर हाज तो खत्म। अच्छा एक बात बताओ, ये बीसू किस तरह का लड़का था? अरे एकदम सिरफिरो साहब, सारे गाँव के लिए बलाए था ससुरा। बलाए
तो मतलब पागल था जी? पागल तो बोलो, पागल था? और का पागल है तेरी सरकार, जा आप ही सोचो, जाकर दिमाग ठीक हो, कुछ काम धंधा नहीं करेगा। पर सरकार हम आपसे एक बात और कहना चाहते, ये मामला में हमारा कोनो लेन देन नहीं, हमका नहीं करूंगा, हम बिल्कुल बेकसूर है सरकार। ठीक है जाओ। मिस्टर शर्मा, आप यहाँ के तो दिखाई नहीं पड़ते। जी नहीं सर, मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ रिसर्च के सिलसिले में आया हूँ, क्लास स्ट्रगल और कास्ट ऑपरेशन। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बैठिए। सुना है बीसो आपसे रोज मिलने आया करता था? रोज तो नहीं पर अक्सर आया करता। और क्या बातें करते थे आप दोनों? बातें कुछ तो बातें करते होंगे। सर वो बहुत सेंसिटिव था, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, बहुत परेशान रहता था। क्यों, क्या थी उसकी परेशानी? सर वो तो इस पूरे के पूरे सेटअप को लेकर ही बहुत परेशान था। उसका मानना था कि जो ये आगजनी वाला मामला है उसे जानबूझकर दबा दिया गया, झूठी तसल्ली देने के लिए बेचारे कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया और असली मुजरिम के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। इस पूरे हादसे ने उसे बिल्कुल बौखला दिया। He was not in his proper senses. I see. सर वो बड़े आवेश में आके मुझसे कहता था कि कुछ लोगों के मरने भर की बात नहीं है महेश बाबू, इस हादसे ने तो पूरी की पूरी बस्ती के हौसले को ही मार दिया। अरे मैंने रात दिन एक करके उन हरिजनों को इस काबिल बनाया था कि छाती ठोक कर अपना हक मांग सके, पर अब सब खत्म हो गया। आपने उन्हें ये नहीं बताया कि ये एक दो लोगों के करने की चीज नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग और बहुत सारा समय लगता है। एक दो लोगों के करने की चीज नहीं है? अरे आप नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि इन मुद्दों पर बात हो। मिस्टर महेश, मुझे आपका ये भाषण नहीं सुनना है, जो पूछा जा रहा है वो बताइए। अरे फेलोशिप की पहली शर्त यही होती कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप ही बताइए क्या फायदा ऐसी एजुकेशन का? आई से स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड टेल मी व्हाट आई एम आस्किंग। पूछिए सर, आपको जो पूछना है आप पूछिए। क्या आपकी नजर में बीसू बहुत ही नर्वस टेम्परामेंटल या इराटिक किस्म का लड़का था? बोलिए मिस्टर महेश, बीसू किस तरह का लड़का था? सॉरी सर, मैं नहीं बता सकता। व्हाट कैसे सबमिट करेंगे आप? साथ उठने बैठने वाले लड़के के बारे में दो लाइन नहीं बता पा रहे हैं। दो लाइन में मैं आपको कैसे समझा दूं? क्या था उसका स्ट्रगल, क्या थी उसकी परेशानी? पर अगर मैं समझा भी दूं तो क्या आप समझ पाएंगे? मिस्टर महेश, अरे मान लीजिए आपको बनी बनाई बातें बता दी गई हूं और आप उन्हें मान भी लें, गवाहियों पे गवाहियां लिए जाए, बयान पे बयान लिए जाए, पर किसी को सजा भी दे दें, फिर आपको पता चले असलियत तो कुछ और ही, बिल्कुल अलग, अंदर से हिल नहीं जाएंगे आप। मिस्टर महेश, मैंने यहां आपको अपने सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया है, आपके बेसिक बैठ के सवाल सुनने के लिए नहीं। मेरे देखो बाबा, जो कुछ पूछा जाए सच सच बताना, डरने की कोई बात नहीं है। क्या बताइए सरकार, हमारा बचुआ तो चला गया। कुछ पढ़ा लिखा था वो? बहुत पढ़ा लिखा सरकार, 14 क्लास पास, शहर भेज के पढ़ा था। कुछ कामकाज करता था? करता था सरकार, गांव के हरिजन टोला में स्कूल खोले रहा, सबको पढ़ा था, पढ़ावे का बहुत शौक रहा, पर बात बात तो जेल चला गया। जेल क्यों गया? सो तो आप जाने सरकार, आप एक ही लोग ही तो ले गए। अरे भाई कुछ तो उसने किया होगा, तभी तो उसे सजा हुई। ना सरकार, दोनों सजा रहे, दोनों मुकदमा रहे, एक दिन पिंसर आए और उनको बंदी बना ले गए, 2 महीना तक तो हमें बताना चला कहा है हमारा बचवा, बहुत चटपटा बहुत रोए, पर कौन पूछा था अब गरीबों का दुख दर्द, अरे कीड़ा मकोड़ा जाए जनकाने। बात बताओ जेल से आने के बाद वो क्या करता था? क्या करता सरकार, बेचैन रहता,
ना जाने कौन तक लगेगा बाबू को, हमारा तो लागा ही नहीं रहा, वो हमारा बचवा है। बड़े चुस्ती रहे वहां के शरीफा, इन लोगों ने सबने छोड़ दियो। देखो बाबा, डॉक्टरी जांच में पता चला है कि बीसु के शरीर पर जख्मों के निशान थे। उसकी किसी से मारपीट होती थी? इंसान सरकार, जब जेल से आध रात तब गया, जब जेल से आध रात ना, उसका कलाई टकना सब पर गाँव रहा, उसे खून और मवाद आत रहा, चार साल तक उसके हाथ पाँव से हथकड़ी बेड़ी ना गोली गई, सारे शरीर पर जगह शांत बाबा नीचे बाबा पानी पीजिए। आओ बाबा कुर्सी लगाइए, आइए बाबा ऊपर बैठिए। आइए आराम से बैठो। एक बात बताओ, उसका गांव में दोस्त था कोई? काश दोस्त तो मिंदर है सरकार। और ये रुकमा कौन है? उसकी घरवाली सरकार, बिटिया जैस, बिजवा के स्कूल में पढ़त रही, बहुत मानती थी उनको। शादी कभी रुकमा की? सरकार यही कोनो 3 बरस। अच्छा, बीसु और बिंदा लड़ा भी करते थे आपस में? खूब लड़ते रहे सरकार, जोर मार मार लड़ते रहे। और कभी रुकमा को लेके भी लड़ाई हुई दोनों में? रुकमा को लेकर? हाँ उतरी सरकार, उतरी। बिंदा कहत रहा रुकमा को बहुत कानून सिखा दिया बिस्वा, बस बहस कराता है, दोनों बात ना सुनती। और गांव में उसका दुश्मन था कोई? बोलो बाबा, गांव में उसका दुश्मन था कोई? बोलो बताइए सरकार। दुश्मनी तो ना रही, पर उन सुरावर सिंह और मालिक जो नाराज रहे। सुरावर सिंह क्यों? बचपन रावर बचुआ का, उनके खेत पे काम करने वाले मजदूरों को कहत रहा, इतनी कम मजदूरी में काम ना करो, अपनी मजदूरी बढ़ाने का दिल लड़ो, ये बात उन लगन का पसंद आई सरकार। अच्छा, और एक बात बताओ, बीसु की मौत में तुम्हें किस पर शक है? सारा गांव सुरावर सिंह का नाम ले रहा। सुरावर? और तुम्हें क्या लगता है कैसे हुई बीसु की मौत? सरकार हम कहते हैं अपन मौत नहीं मरा, मर बचुआ कौन मारा है उसको, जरूर है मारा है। ठीक है बाबा, अब आप जाइए, बाबा को घर तक पहुंचा दो, तुम भी जाओ और देखिए बिंदा कब तक आएगा। चलो जल्दी चलो। क्या बात है, कौनो सबका भाई को लेके आ रहा है, कौनो लुगाई को? ये सब यहाँ नहीं चलेगा, बस तुम्हारी। जी 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 सरकार। आले दो। बिंदा, तुम सुबह क्यों नहीं आए? जानते हो ना सरकारी बुलावे पर ना आना जुर्म होता है। तबीयत ठीक नहीं रही सरकार, साफ नहीं करवा रहा है। देखो, करने की कोई बात नहीं है, जो कुछ कहना है खुलकर कहना। बीसु की मौत में तुम्हें किस पर शक है? उसका दुश्मन था कोई? हीरा ने बहुत दबी जवान ने बताया है कि ये हत्या का मामला है, तुम्हें किस पर शक है? बोलो तुम्हें किस पर शक है? जो बता दे तो है हिम्मत आप पे हथियार पे हाथ रखने की? बिंदा, और अब हमारे बयान से होगा भी क्या? जोरावर के कुत्ते ही थाने दाल दिया, पट्टे आकर के जेल तो दी, भरी सभा में दास साहब को कह गए बीसु ने आत्महत्या की है, मसाल वाले ने भी छापो दिया, बस आपके लिए तो बात खत्म। इस नाटकबाजी का क्या मतलब? मैं पूछना चाहता हूँ साहब, कोई मान धर्म है या नहीं आप लोगों का? कानून चाले के तो आज बाजारी और बना के छोड़ दिया है, इसे हर पैसा वाला चम्मच अपने घर बिठाता है। बिंदा, कचहरी में खड़े होकर कानून की तोहीन मत करो, इस जुर्म के लिए तुम्हें अंदर किया जा सकता है। माफ कर दिया साहब, माफ कर दिया, माफ कर दिया साहब, माफ कर दिया। अरे तू
की सुलगती आग अगर इन टुसन से बुझाई गई तो हम सबकी नई जनखा हो जाओ। अरे तुम तो दोस्त हो ना बीसू के, तो साथ दो हमारा, बैठो। जिस रात बीसू की मौत हुई उस दिन दोपहर में वो तुम्हारे साथ था, था कि नहीं? हाँ। और कितनी देर तक रहा था? दोपहर के खाने के बाद चला गया। अच्छा, तुम्हारी और बीसू की दोस्ती तो कुल 8 महीने पुरानी थी, फिर इतनी निकटता और इतनी आत्मीयता कैसे? महीनों से क्या होता है साहब, खरा आदमी मिले तो हम 2 दिन में कोई गुलाम बन जाए। देखने को मिलता कहाँ है आजकल खरा आदमी? ये जो औरत है ना साहब, कैसी बदतमीज और बदजबान, कोई मर्द नहीं जी सकता इसी औरत को। पर हम इज्जत करते हैं साहब, बाहर से भीतर तलक खड़ी है, बीसू की असली चेली। अच्छा, खाने के बाद वो कहाँ गया था? अपने घर, शहर जाते हुए हम ही छोड़ाए थे। और तुम शहर क्यों गए थे? मंडी में अनाज पहुँचाना था और कुछ चलाना खरीद। उस दिन क्या बातें की थी उसने तुमसे? कुछ दुखी या परेशान था? कुछ झगड़ा या कहा सुनी की बात हुई? हम ही से झगड़ा किया। किस बात पर? दिल्ली चलने का थे, 4-5 दिन पहले आग जेनी के कुछ प्रमाण आग लगे थे उसके, बस तभी से मार पीछे पड़ा था, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हमने भी कह दिया कुछ नहीं होगा, जब सरकार खुद ही सारा मामला दाब डाक रही है तो हमारे तुम्हारे कहने से होगा कुछ? अगर कुछ ऐसे प्रमाण हैं तो हमें दो, हम यहाँ हैं किस लिए? हमारे ऊपर भरोसा करो। क्या होगा साहब सबूत देकर, इसके अत्याचार से तो हम खुद ही नहीं पटलेंगे। बिंदा, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो, अगर कुछ प्रमाण है तो हमें दो, फैसले से हम तहकीकात करेंगे। अच्छा, बीसू की मौत में तुम्हें किस पर शक है? शक जो रावण ने मरवाया उसे। लेकिन जो रावण ने क्यों मरवाया उसे? आगजनी के फरमान जुटा के जो रावण की मौत का सामान जो इकट्ठा कर दिया बीसू ने। बीसू की मौत का प्रमाण तो है तो हमें दो, हमारे ऊपर विश्वास करो, हम नए तरीके से इसमें तहकीकात करेंगे, पूरा न्याय दिलवाएंगे। कुछ नहीं होगा सर, कोई कुछ नहीं करेगा, सब पे सब पिके हुए हैं, ये पत्रकार और ये पुलिस। कानून के बारे में ऐसे मत कहो, बिना ठोस प्रमाण के हम कर ही क्या सकते हैं? हमारे ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो हमारे ऊपर। विश्वास करो? डॉक्टर रपट में आया, बीसू की मौत रात करीब 1 बजे हुई, पेट में जहर 4 घंटे पहले गया। मैं पूछना चाहता हूँ साहब, पुलिस ने जानने की कोशिश कहा नहीं की रात 9 बजे बीसू कहाँ रहा, किसके साथ रहा? रहा किसके साथ रहा? क्या कुत्तन वाले पुत्तन के यहाँ? पुत्तन और ही थाने दानों का बयान कर ले लिया और आप कहते हैं विश्वास करो? देख लिया साहब, ऐसा खौफ आपने और कहीं नहीं देखा होगा, लोगों की जमीन जायदाद और बैल बकरी गिर भी नहीं है जोरावर की, उनकी आवाज और जबान भी बंधक बना रखी है, मन तो करता है पावड़ा लेकर टुकड़े टुकड़े कर। आप साहब बताओ, कुत्तन का आदेश मामले में बोलो। उस दिन रात को 9 बजे कुत्तन की दुकान पर 2 लड़कों ने यीशु को चाय पिलाई और वो लड़के ये गाँव के थे भी नहीं। कौन से गांव के थे वो आप ही जानो। ठीक है, अभी तुम घर जाओ, इस मामले में कुछ नया पता चलेगा तो सीधा आगे हमें खबर करना। सुनिए आप, जी सर, कल सुबह चाय वाले पुत्तन को हाजिर कीजिए, उसका बयान लेंगे। तो हाँ, पुत्तन कौन थे वो 2 लड़के? Come on!
जरूरी रोट ली थी। पानी लाओ। जी सर। बताओ सर, बिंदा की बहुत जबरदस्त पिटाई गई है सर। किसने? देरे में रुकमा ढंग से देख तो नहीं पाई, पर आज सुबह जो उसने बयान दिया था ना, ये उसी की वजह से हुआ। मैंने हीरा काका और रुकमा को तो दूसरे गांव भिजवा दिया, पर सर बिंदा बहुत जख्मी हालत में है सर। जिस तैश में वो गया वो लड़कों को जिंदा नहीं छोड़ेगा सर। कौन लड़के, कहाँ से थे वो? टिटेरी गाँव के थे सर। टिटेरी? सर अब देर मत कीजिए सर। कोई प्रमाण है इस बात का? से बड़ा प्रमाण वो पैसे जिसकी चर्चा टिटेरी में हर कोई कर रहा है। शांत रहिए। पैसे? अच्छा ठीक है। मोहन सिंह चाहिए, मेरा बैग लेकर आइए। जी सर। हाँ, फिर उन दो लड़कों को नहीं पकड़ा गया ना तो विश्व का अपराधी कभी सामने नहीं आ पाएगा। मेरा अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा देना, बिंदा का अपनी जान को दांव पर लगा देना, सब बेकार हो जाएगा सर। आप चिंता मत करिए, हम सब टूट जाएंगे सर। वो बच नहीं पाएंगे, लेकिन बताइए वो लड़के कौन है, नाम क्या था उनके? बंसी और बिहारी। बंसी और बिहारी? जी सर। ठीक है, टिटेरी गाँव के? जी। उन्होंने यीशु की चाय में घर मिलाया था? जी सर। मोहन सिंह बैग? जी सर। आप निश्चित होकर घर जाइए। सर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, इस समय सेफ नहीं है, आप जाइए। ये डीआईजी साहब के पास पहुंचो ड्राइवर के साथ, फटाफट। जी सर। अच्छा सुनो। जी सर। गाड़ी निकालो, हम टिटेरी के लिए निकलेंगे। अभी सर? अभी। जी सर। की बयानबाजी बहुत महंगी पड़ गई हमें साहब। तीसरे साधे गेट में ना जाने क्या क्या पेशे निकाल कर रोज गांव जाते रहे, असंतुष्ट हैं लोग उनसे, पूरे गांव का वातावरण ही खराब कर दिया। जानते नहीं साहब, सक्सेना की अजब गांठ गांठ चल रही है। बिंदा और एक शाही लड़का आया हुआ है उसके साथ, आगजनी की घटना के प्रमाण लेकर दिल्ली जा रहे हैं, और सक्सेना है कि रास्ता दिखा रहे हैं उन्हें। असली हथियार तो बिंदा से मिलेंगे, दिल्ली के अखबारों में जब आगजनी की घटना छपेगी तब देखेगा हंगामा, पीसु की मौत को मंत्रिमंडल की मौत बनाकर रहेंगे। बिंदा, बहुत नाम सुनने में आ रहा है इस आदमी का। अरे बहुत बीहड़ आदमी है साहब, दुरावर और सरपंच दोनों बहुत नाराज हैं सबसे। जानते नहीं साहब, सक्सेना ने कितनी सख्ती से बयान लिए हैं सबके। दुरावर के 35% वोट तो पक्के थे, हरिजनों का क्या है? मतलब? जानते नहीं साहब। जोरावर? जोरावर क्या सुकुल बाबू को वोट देगा? नहीं साहब, जोरावर खुद खड़ा हो रहा है। जोरावर खुद खड़ा हो रहा है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो विश्वास नहीं होता। होगा भी नहीं, अपने लोग क्या क्या कर सिर पे तो चढ़ाया है, उनमें वफादारी होती है इनके, देख ली वफादारी। पक्की बात है साहब, सुकुल बाबू ने काशी के जरिए फोड़ा है उसे। मैं तो कहता हूँ उनसे पूछा तक नहीं, और कोई सौदा करना चाहता है वो? इतनी पैंतरेबाजी उसके बस की बात नहीं साहब, जाट आदमी है, जिधर चाहे उधर चाबी घुमा दो। हमसे नाराज था काशी ने भड़का दिया, वैसे मैंने मिलने बुलाया है, कहा है बहुत जरूरी काम है। आएगा वो? अरे साहब आता ही होगा, जाएगा कहाँ। मैं तो कहती हूँ अब जब आए तो सख्ती से पेश आना चाहिए हमें, जब किसी को भलमनसाद की कदर है ही नहीं तो क्यों करनी है भलमनसाद। नहीं माता जी, इस चुनाव के लिए जोरावर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बस आप उसे किसी तरह से बस में कर लीजिए। जयराम जी की दास, आपने बुलाया और हम आ गए। जोरावर तो बस, जोरावर से मैं अकेले में बात करूंगा। ये सच है जोरावर कि जब मैं किसी का हाथ पकड़ता हूं तो अंत तक नहीं छोड़ता, स्वभाव है मेरा, पर कोई इसे मेरी दुर्बलता समझकर फायदा उठाना चाहे तो। साफ साफ कहो दास साहब, क्या कहना चाहते हो? साफ बात अपने लोगों के बीच करी जाती है जोरावर, तुमने तो अपने पन की जड़ें ही काटना शुरू कर दिया है। वो कैसे? विवाद तुम अपने आप से पूछो तो बेहतर होगा, क्या तुम चुनाव में खड़े हो रहे हो? मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा तुमने? अब आप हमें तो दोष मत ही दो साहब, इन बातों की पहल आपने की थी। अरे हमारे गांव में घरेलू उद्योग योजना की एक बार पूछा तो होता हमसे, सो नहीं, पंचायत को भी अलग रखा, पैसा भी उनके हाथों में नहीं दिया जिन्होंने आपके चुनाव में खून पसीना एक किया, आज भरोसे के लायक नहीं रह गए वो लोग। अरे सोचा तो होता कि गांव में कौन सी शाख रह जाएगी पंचायत की हमारी, पर फिर भी हम यहाँ आए कि आपसे बैठकर बात करें।
और पर वो लखन बेइज्जती करता रहा हमारी आपके सामने, और आपके मुंह से तो हमारे लिए दो बोल तक ना फूटे। तो कुछ गलत तो नहीं कहा था ना लखन ने? और वो वैसे भी हमारी पार्टी का फैसला। और दिन कैसा सलूक किया आपने हमारे साथ, हमारी तो बेइज्जती हो गई सबके सामने, नाक कट गई दास साहब हमारी। अरे आपने हमें गोली भी मरवा दी होती तो वो भी हम बर्दाश्त कर लेते, पर इस तरह सबके सामने नंगा कर गया। अरे कितना दिन काम करवाया था सिर्फ तुम्हारे लिए, अपनी जातियों से जहां जहां तक लोगों के मन में घाव किए हैं ना तुमने, कितना जरूरी हो गया है उन पर हमारे सीने पर जख्म करने के लिए आपने तहकीकात तो शुरू करवाई थी ना। अरे देखा तो होता कैसा सलूक किया उसने हमारे और सरपंच काका के साथ, उस दो गोड़ी की सेना ने। यही इज्जत रह गई आज हमारी कि कोई भी हरा गहरा है। तो अब चुनाव लड़कर इज्जत बचाओगे अपनी? खेती और राजनीति में अंतर होता है जोरावर। बहुत कर ली खेती दास साहब, अब तो हम करेंगे राजनीति। किसने सिखाया ये सब तुम्हें? काशी ने, सुना है वो रास्ता दिखा रही है तुम्हारा इस चुनाव में। अब आप दुरा दोगे दास साहब तो कोई हमारा साथ भी तो देगा। काशी हमें हमारे सगे भाई से भी ज्यादा मानती है। सगे भाई को उसने ये नहीं बताया कि बिंदा सारे प्रमाण लेकर दिल्ली जा रहा है और सक्सेना ने रिपोर्ट तैयार कर दी है बिसु के हत्या की। अच्छा हुआ तुमने खुद ही हाथ खींच लिया, मैं मुक्त हुआ, वरना इन स्थितियों में मेरे लिए कुछ भी कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता। क्या क्या लिखा है सक्सेना की रिपोर्ट में? जानते हो किस किस के बयान है इस फाइल में, पढ़कर सुनाओ। अरे सक्सेना ने जिन जिन के बयान लिए हैं उन सब की रायत की खबर है हमारे पास भी। पुलिस के हर काम की खबर हर किसी को होने लगे तो पुलिस ही क्या हुई। पुत्तन की दुकान पर चाय पी थी बिसु ने और यही आखिरी चीज है जो उसकी पीठ। पुत्तन लौंडे लपाड़ों के साथ तो बीड़ी पीता रहता है, उसमें हमारा क्या? लड़के सरोहा के नहीं टिटारी गांव के थे। तो वो आस पास ही गाँव में भटकता रहता है, काम धाम नहीं आ रहा। टिटारी नाम था लड़कों का। कौन है लड़के? दो घंटे की पिटाई में सब कुछ उगल दिया है। तो कोई भी लड़के कुछ भी कह देंगे। और काम के लिए जो मोटी रकम दी गई थी वो भी अब पुलिस के कब्जे में। क्या खट्टा खोद कर गाने दूंगा मेरे को? लड़के पुलिस की हिरासत में है जो रावा है, समझ गए? बात जब तक जबानी रहे तब तक तो ठीक है, पर एक बार फाइल में आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। पर हमने कुछ किया भी तो दास साहब। तुम चुनाव लड़ना चाह रहे हो और यहाँ तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट निकल रहे हैं। मुझे तो डर है कि विधानसभा की जगह कहीं जेल न जाना पड़ जाए तुम्हें। अरे दास साहब आप तो ऐसे बात करो जैसे हम खड़े हो कुछ चुनाव। अरे आपसे बिना पूछे फॉर्म तो नहीं बना ना, आप कहोगे तो ही खड़े होंगे चुनाव में। क्या इस ससुरी राजनीति में? भाई नहीं, तुम चुनाव में खड़े होना चाहते हो जरूर हो, हम क्यों रोकेंगे तुम्हें। अरे दास साहब आप तो ऐसे बात करो जैसे हम आपको कुछ लगते ही नहीं, पर आए उस काशी ने इतना भड़काया तो भी उस शुक्लों के साथ तो जाकर नहीं मिलना, मिल ही नहीं सकते थे। लेकिन आपने एक आवाज लगाई तो दौरे दौरे आए कि नहीं आपके पास? दास साहब आप तो जानते हैं जाट आदमी, दिमाग में थोड़ा गुस्सा भर गया था, वरना आप जानते हैं कि जोरावर हमेशा अपना खून बहाने के लिए तैयार है आपके लिए। आप इशारा करता करो अपने दास साहब, आपकी गलती करें तो 100 जूते मार लो, पर इस तरह सबके सामने? पिछली बार भी आपके नाम पे सारे वोट पड़े थे और इस बार भी आपके नाम पे वोट पड़ेंगे, आप बस एक इशारा बार करो जोरावर कभी नहीं चुकेगा अपने फर्ज से। पर आप मेरी बात तो सुनो, अब जो कुछ भी कहना है कोर्ट में जाके कहना तुम जोरावर। साहब डीआईजी साहब आ गए। भेजो उन्हें। क्या ये क्या हो गया? कोई बात नहीं मैं भी ये बैठा रहूंगा, वो मुझे यहीं से ले जाए। जमुना बहन, जमुना बहन देखो ना दास साहब को सक्सेना ने क्या उल्टा सीधा पढ़ा दिया। और दास साहब है कि शांत हो जाओ, तो भीतर चलो। सर आइए। सिन्हा साहब सक्सेना के बारे में आपका क्या ख्याल है? सक्सेना जी आदमी तो अच्छा है, आई मीन मैथेपुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, पुलिस वालों के अंदर जो विजन होना चाहिए, जो टैक्ट होना चाहिए, जैसी निष्पक्षता होनी चाहिए वैसा कुछ है नहीं उसमें। मैंने भेजा था कि लोगों को संतुष्ट करे और गांव वाले असंतुष्ट हैं। सॉरी सर हमारे केस को पूरी तरह अपने हाथों में ले लिया, अब आप चिंता ना करें। पता नहीं इतने सीधे साफ केस, चुनाव के माहौल में कोई बात इतनी सीधी और साफ नहीं होती है मिस्टर सिन्हा जी। विरोधी पार्टी वाले बड़ी ही चालाकी से इस मौके का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। वो बखूबी जानते हैं कि जब तक जोरावर हमारे साथ है वो एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी ये चुनाव नहीं जीत सकते। हत्या के मामले में फंसाने का इससे बेहतर मौका कोई हो सकता था उनके पास? पर सर मेरी रिपोर्ट में तो ये आत्महत्या केस है। लगता है रिपोर्ट आपने पहले ही तैयार कर ली थी और बाद में छानबीन शुरू करी है। जी मैंने भी रात को ये रिपोर्ट बड़ी ही गौर से पढ़ी है।
विशु और रुक्मा के संबंध बहुत साफ है, उसके बाप तक ने कबूल किया है। पत्नी के प्रेमी को बर्दाश्त ना कर पाना और किसी को संदेह ना हो इसलिए मित्रता की आड़ बनाए रखना। घटना वाली रात जानबूझकर पूरी योजना बना कर गांव से बाहर रहना और बाद में आवश्यकता से अधिक आक्रामक रवैया। संदेह की कोई गुंजाइश रह जाती है, इतनी मोटी सी बात आप लोगों के समझ में नहीं है। हत्या का मामला है ये, मिंदर की हत्या, और सक्सेना पुलिस का आदमी होकर मुजरिम के साथ साठ काट करे जुर्म है ये। सक्सेना एनआरएस मिंदर इमीडिएटली। यही है सर।
क्यों भाभी जी? कमाल करते हैं आप भी। कैद तो 25 साल की मैंने काटी है, एक पुलिस वाले के साथ रहना किसी सजा से कम थोड़ी है। इनाम तो मुझे भी मिलना चाहिए। अरे तो इनाम के तौर पर छुट्टी आप ले लीजिए भाभी जी, इनाम को मैं साथ ले जाता हूँ। लेकिन मान गए सिन्हा साहब, इस बिसु वाले मामले में आप तो कमाल ही करते, मान गए। और नहीं तो क्या, और नहीं सत्य आत्महत्या के चक्कर में अच्छे अच्छे चक्कर खा गए, दोस्ती के आड़ में ऐसा वार किया कि कोई पकड़ ही नहीं सका। लेकिन सिन्हा ने असलियत पकड़ ही ली, बड़ी पैनी नजर है आपकी सिन्हा साहब, मान गए। अरे पकड़ा तो इनाम भी तो मिल गया तेरा। इनाम तो सबको दिखाई देता है भाई साहब, पर कभी ये भी सोचा है कि जान कितनी जोखिम में रहती है इस नौकरी में? आपके साथ रहने से भी ज्यादा जोखिम। भाई 2 घंटे मालिश करवा के साफ स्नान किया तो शरीर फूल से हल्का हो गया है। मैं तो कहती हूँ हर हफ्ते के राय करो, पर तुम्हें पड़ सकता हूँ ये व्यंजन आज दावा दे रही हो क्या? केसरी हाथ है तुम्हारी पसंद का? वाह, तुम्हारे हाथ की बनी तो हर चीज पसंद है हमें। रंगायन की तीसरी प्रस्तुति महाभोज। ये रंगायन की नई पौध की प्रस्तुति थी। पहले दिन जो हमारे एलुमनाई स्टूडेंट्स थे उनकी प्रस्तुति थी, दूसरे दिन हमारे करंट बच्चे, और ये नई पौध मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये लोग अभी पंख लगा के परवाज बनने वाले हैं, और इस दृष्टि से इस मुश्किल नाटक का मंचन जो 80 के दशक का बैकग्राउंड है, सामाजिक सोशल रियलिटी का बैकग्राउंड है, और उसको जिस बखूबी से निभाया, इसके लिए एक जोरदार ताली। और इसी के साथ इस नाटक के निर्देशक श्री सुमन कुमार जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। श्री सुमन कुमार जी, हिंदी रंगमंच के जाने पहचाने नाम सुमन कुमार जी, और आपने इन बच्चों को तराश दिया। इसी के साथ मैं अपने आज के अतिथि, मुख्य अतिथि डॉक्टर हर्षवर्धन जी से आग्रह करता हूँ कि सर मंच पर आइए। रंगशीर्ष जयदेव तनेजा जी से आग्रह कि सर मंच पर आइए। हमारे गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन आदरणीय पवन जगी जी, हमारे प्राचार्य जी प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा, हमारे ट्रेजरर प्रवीण सेठ जी, और रंगायन की संयोजक प्रोफेसर गीता तुली जी,
आप सभी मंच पर। मैं आदरणीय श्रीमती बीना जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पर आए, ये हमारे लिए खुशनसीबी है। सबसे पहले मैं आज के जो निर्देशक हैं उनका सम्मान, फिर पात्र परिचय और फिर हम अपने जो आज के अतिथि हैं उनकी टिप्पणी लेंगे। मैं आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय चेयरमैन सर से आग्रह करूंगा, आदरणीय आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी आग्रह करूंगा कि सर नाटक में शब्द भले ही लेखक के होते हैं लेकिन जब रंगमंच पर वह नाटक आ जाए तो वह नाटक निर्देशक का हो जाता है। और कैसे आज से 40 साल पुराने सामाजिक यथार्थ को आपने समसामयिक संदर्भ में प्रस्तुत किया, ये बड़ी बात है। इसी के साथ मैं अपने पात्रों का परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहले अमोद सिंह, दास साहब की भूमिका में अमोद सिंह। सुकुल बाबू की भूमिका में हर्ष शर्मा। पांडे जी की भूमिका में मोहम्मद शोएब। लखन की भूमिका में विशाल कुशवाहा। जमुना बहन कीर्तिका मिश्रा। कीर्तिका मिश्रा इसके साथ एसपी सक्सेना लक्ष्यानंद तैयार रहिए। डीआईजी सिन्हा की भूमिका में जतिन। दत्ता बाबू रोहित कुमार सिंह। भवानी की भूमिका में ऋतिकेश कुमार। नरोत्तम दिव्यकांत। महेश एवं सूत्रधार की भूमिका में कुंज सलूजा। रति की भूमिका में अंश श्रीवास्तव। मोहन सिंह की भूमिका में माधव खंडेलवाल। विष्णु की भूमिका में राहुल। हीरा हिमांशु शर्मा। बहुत बढ़िया। विश्व की मां सुरभि जायसवाल। बिंदा आर्यन शर्मा।
रुकमा की भूमिका में दीक्षा सिंह, जोरावर की भूमिका में प्रशांत कुमार राय, काशी की भूमिका में भावना तवर काशी की भूमिका में वेल्डन, थानेदार की भूमिका में नमन, हवलदार थे आकृति और जय शर्मा, और सबसे भारी भरकम लठैत अंश श्रीवास्तव। लड़की आशा रावत, सुकुल बाबू का कार्यकर्ता जीतपाल बरुआ, और दास साहब के कार्यकर्ता थे निकुंज आहूजा, जोगेश्वर की भूमिका में थे घनश्याम कुमार, गांव वाले की भूमिका में सबसे पहले पारुल माधव खुशी, घनश्याम कोमल आशा आस्था निकुंज आस्था वंशिका, तनीषा, पारस, देव, हर्ष, ये गिद्ध की भूमिका में थे हर्ष और हिमांशु, अद्भुत, आ जाइए। नर्तकी की भूमिका में आस्था उपाध्याय, वंशिका सिंह राघव हो गया है, मैं इनका नाम यहाँ दोहरा दूं। और दो लोग म्यूजिक में थे जी, एक शैलेंद्र कुमार चौहान जी मंच पर आइए, मैं सबका नाम ले लूं। और श्रीश पांडे नेपथ्य में थे लक्ष्य आनंद, पारस चौहान, सबके लिए एक बार तालियां, आमोद सिंह, देव गर्ग, मोहम्मद सोएब, हर्ष पहाड़िया, विशाल कुशवाहा, जतिन खिलोनिया, कंजू सलूजा, जतिन भाटिया और निर्देशन में सहयोग कर रहे थे रियांश। तो जैसा मैंने कहा, देव है, आ जाओ।
जैसा मैंने कहा कि ये प्रस्तुति जो नई पौध की प्रस्तुति, आपने ऊर्जा देखी है और उस ऊर्जा को संभाल करके इतना गंभीर अभिनय करा लेना एक निर्देशक की क्षमता होती है। मैं त्वरित टिप्पणी के लिए, हाँ मेकअप में जितेंद्र जी थे, जितेंद्र जी आप प्लीज आ जाइए, और कॉस्ट्यूम में डालचंद जी प्लीज, इनका तो जवाब नहीं है, ये लाजवाब है हमेशा। तो सबसे पहले मैं हर्षवर्धन जी से आज की इस प्रस्तुति पर टिप्पणी चाहूँगा। धन्यवाद और अभिनंदन है आप सबका। मेरी पत्नी डॉक्टर वीना झा और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के ही स्नातक हैं और हम दोनों ने दिल्ली विश्वविद्यालय को 1979 में छोड़ा था, तो आज से तो बहुत दशक हो गए। और वापस आके मैं देख रहा था कि विश्वविद्यालय में कौन से कॉलेज बहुत ऊंची रैंक पे आए हैं और मैंने देखा ARSD बहुत ही ऊंची रैंक पे है। हाँ, तो पहले तो मुझे मेरी तरफ से और मेरी पत्नी की तरफ से बधाई और मे यू कंटिन्यू विद दिस परफॉर्मेंस इन अ कंसिस्टेंट वे। मैं ये सोचता हूँ अगर आज के इस नाटक के तरह से देखा जाए तो जो क्षमता आप लोगों ने आज दिखाई है अद्वितीय है और बधाई। और जब ये सब हो रहा था मैं यही सोच रहा था इसके जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ही हाई कैलिबर के हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हर सीन में और हर कलाकार के साथ जो हम सबको पेश किया, मैं दंग रह जाता था हर एक सीन के साथ कि ये इतना अच्छा सोच के, इतना रियलिस्टिक, और उसको रियलिस्टिक डायरेक्टर ने तो बनाने की कोशिश की लेकिन उस डायरेक्टर के साथ साथ जो आप सब कलाकार थे, आप लोगों ने उतना सटीक रूप दिया सब कि झकझोर के रख दिया। बधाई आप सबको। और मैं यही कहूंगा कि आपने जो ये हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस यहाँ दिखाया है और आपकी जो रैंकिंग है, मेरी मनोकामना और शुभकामना आप सबके साथ है कि जीवन में आप उसी स्तर पे रहें और आपका इंस्टीट्यूशन भी उसी स्तर पे रहे। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वाद के लिए, शुभकामना के लिए। मैं त्वरित टिप्पणी अपने प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी से चाहूँगा। सर से तो अंत में लूँगा, क्योंकि उनके बगैर तो कुछ होना नहीं है। मैं इसीलिए कि इस रंगायन के संस्थापक यहाँ बैठे खड़े हैं हमारे ज्ञानतोष झा जी, जो हमारे आज प्राचार्य हैं, और रंगशीर्ष जयदेव तनेजा जी, तो आप दोनों की तो टिप्पणी बनती है क्योंकि आप रंगमंच के जानकार भी हैं, अभिभावक भी हैं। सर सबसे पहले तो आदरणीय हर्षवर्धन जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज के आतिथ्य के लिए हामी भरी और आए और हमारा मंचन देखा और हमारे विद्यार्थियों की एक कोशिश की, भरपूर सराहना की। सर आपका बहुत बहुत आभार। बहुत कम समय में ये नाटक तैयार किया गया क्योंकि 18 जनवरी तक इन बच्चों की सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही थी और ये नाटक वैसे तो तय 30 को करना था लेकिन एक दिन इसको मैंने डिले किया, इसीलिए क्रम इसका बदला। लेकिन सुमन जी आपको बहुत बधाई, आपने कम समय में, और पात्र इतने अधिक हैं, नए बच्चे थे इसमें जो थिएटर करने वाले, ये सब इसमें ज़्यादा जो हमारे विद्यार्थी हैं वो स्ट्रीट करते हैं, वो स्टेज थिएटर नहीं करते थे, लेकिन उनके साथ ही प्रयोग करना था हम लोगों को और हमने किया। और बच्चों आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह
और आपने जिस तरह से इसका मंचन किया है, इसके लिए सभी विद्यार्थियों को, कलाकारों को मैं बधाई देता हूँ। और अभिनय की यह क्षमता, विद्यार्थियों का उत्साह, उनके अंदर की ऊर्जा हम सब में एक नई ऊर्जा का संचार कर देती है, जिससे हर साल मुझे लगता है कि एक साल और लड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और ये लड़ाई केवल रंगमंच की लड़ाई नहीं है, जीवन के रंगमंच की भी लड़ाई है, तो वहाँ भी हम लड़ते रहते हैं। एक महीने की कार्यशाला के दौरान विद्यार्थी सीखता है, और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए खास करके महाविद्यालय के क्रियाकलाप में 365 दिन की कार्यशाला है, और रोज़ इस तरह की चुनौती आती है, और जीवन के रंगमंच में रोज़ हम इसका मुकाबला करते हैं। और अभिनय सफल तभी होता है जब सर जैसे विशिष्ट अतिथि हमारी तारीफ करते हैं, तो मुझे लगता है कुछ काम ठीक हुआ है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा कॉलेज के लिए भी और हमारे रंगायन के लिए भी, मेरी शुभकामना है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अमित द्विवेदी जी हमारे जो इस टीम के सदस्य हैं, प्लीज मंच पर आ जाइए। दीपांकर सर प्लीज। अनिल कल्होत्रा जी, आपने सही कहा कि इस चुनौती को किस बखूबी से निभाया गया। ये सारे कन्वेंट के पढ़े हुए अधिकतर बच्चे हैं, और इन हमारे बच्चों ने जिस तरह से गांव की देहाती भाषा का उच्चारण किया है, एक बार उसके लिए ताली तो बनती है। गजब। मैं रविंद्र पंत से भी कहूँगा कि वो आए। ये जो पूरा का पूरा फेस्टिवल है, हम जानते हैं आपकी ये नौवां रंगशीर्ष जयदेव फेस्टिवल है, महोत्सव है, जो खुद हिंदी रंगमंच आलोचना के सलाका पुरुष हैं। हम लोग तो अनारी हैं, उनसे सीखते हैं। सर, आपकी टिप्पणी के बगैर हम कैसे इसे समाप्त करेंगे? भाई सुमन कुमार जी को बहुत बहुत बधाई, इतने कम वक्त में इतनी बड़ी कास्ट के साथ इतना बड़ा नाटक करना। जो नाटक से जुड़े हुए लोग हैं वही उसकी परेशानियां और मुश्किलें समझ सकते हैं। जब पहली बार ये नाटक हुआ था तो उसकी परिकल्पना अमाल अल्लाना ने जिस तरह से की थी, उसको देखते हुए इतने अप्रशिक्षित छात्रों के साथ और इतने कम संसाधनों के साथ इस नाटक को इन छात्रों ने अपनी प्रतिभा से जिस तरह से हमारे सामने पेश किया है वो सचमुच काबिल-ए-तारीफ है। मैं सुमन भाई को और सारे के सारे छात्रों को जो मंच पर थे और जो मंच के पीछे भी रहकर काम करते रहे, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक शेर, हिम्मत बधाए रखने के लिए ना खुदा कहते हैं मल्लाह को, जो नाव को खेता है, तो खुदा और ना खुदा मिलकर डुबो दें ये तो मुमकिन है। खुदा और ना खुदा मिलकर डुबो दें ये तो मुमकिन है, मेरी वजह तबाही सिर्फ तूफा हो नहीं सकता। तो चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, चाहे जितने भी तूफान आए, उनका सामना करने के लिए हमारे नेतृत्व करने वाले डॉक्टर झा
पर हमें भरोसा है कि वो हर तूफान से लड़के इस रंगायन की कश्ती को लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे और सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों की परिश्रम के लिए, आप लोगों के प्रतिभा के निखार के लिए बधाई। बहुत बहुत आभार सर। हमारे गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन आदरणीय पवन जगी सर के दो शब्द अमूल्य होंगे इस अवसर पर। ऐसा परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। मैं कंग्रेचुलेट करूंगा बच्चों को किस शिद्दत के साथ इन्होंने परफॉर्म किया है। वो कहते हैं ना, हमने एक शमा आंधी में जलाई रखी है, लोगों ने शर्त हवाओं से लगा रखी है। ये सब हमारे प्रिंसिपल साहब की मेहरबानी है। ये जो इनमें डेडिकेशन है, मैं किसी को क्या बताऊँ। 24 घंटे ये लगे रहते हैं कॉलेज के लिए और आप लोगों के ध्यान इतना देते हैं, तो आप लोगों को इस बात से हमेशा ये मशहूर होना चाहिए कि किस तरह के प्रिंसिपल आपको मिले हैं। यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। ओके, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। इस अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इस नाटक में के नेपथ्य में भाग लेने वाले अपने छात्र मयंक का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ, जिसका नाम मुझसे छूट गया था। आप जानते हैं कि नाटक पूरी टीम का होता है, किसी अकेले का नहीं होता है। एक अगर कलाकार बिगड़ जाए तो पूरा नाटक क्या से क्या हो जाता है। तो इसलिए आप सभी का आभार। ये जो रंग महोत्सव के पहले दिन अर्थात 29 तारीख को हमने रवि तनेजा निर्देशित और प्रसिद्ध लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी के नाटक अम्बपाली का मंचन किया था, निर्देशक रवि तनेजा जी को और तमाम उस टीम के कलाकारों का मैं आभार धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। कल हमने वशिष्ठ उपाध्याय जी के निर्देशन में रंजीत कपूर लिखित नाटक एक घोड़ा छह सवार का मंचन देखा, सुना, सराहा। मैं निर्देशक रवि वशिष्ठ जी सहित पूरी टीम को, जो कल की टीम थी, अपने छात्रों को, अपने बच्चों के प्रति मैं आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने इतनी मेहनत की और आज हमारे सुमन कुमार जी के निर्देशन में आपने देखा। हम आप सभी के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि हमारा यह जो प्रेम सूत्र है, ये आगे भी रंगायन के साथ आपका बना रहेगा। इस पूरे तीन दिन में तमाम अध्यापक, हमारे कर्मचारी महाविद्यालय के और जो आप हमारे बच्चों के, छात्रों के, विद्यार्थियों के जो अभिभावक यहाँ आए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए मैं सभी का यहाँ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। और अगर मैं यहाँ अपने महाविद्यालय की नाट्य समिति के साथ साथ कलाश्री और सारंग, जो नृत्य और संगीत की समिति है, तीनों दिन के नाटक में जो आपका संयोजन रहा है, माइंड ब्लोइंग। अगर आपका जिक्र न करूं तो ये बेईमानी होगी। आपका बहुत बहुत आभार। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कई बार कुछ नाम छूट जाते हैं, तो जो नाम छूट जाते हैं वो शायद बहुत अपने होते हैं, क्योंकि वहाँ फॉर्मेलिटी, अनौपचारिकता नहीं रहती है, अनौपचारिकता हो जाती है, औपचारिकता नहीं रहती है। तो मैं सभी के प्रति आभार के साथ आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। कल के बारे में अरविंद जी बताएंगे। साथियों, ये 7 दिन का हमारा कार्यक्रम था। थोड़ी सी सूचना भी आपसे साझा कर लूं, जो प्रीलिम्स स्टेज प्ले कंपटीशन का हुआ था और नुक्कड़ नाटक कंपटीशन का हुआ था,
कल मुक्तधारा में स्टेज प्ले कंपटीशन का फाइनल राउंड है, अंतिम चरण है, आप सबका वहाँ भी स्वागत है। आप वहाँ एक साथ 10-12 नाटक देख सकते हैं, ये मौका रहेगा आपके पास। और हमारे जो विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों से आए हुए प्रतिभागी होंगे, उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन होगा, उसे देखने का मौका भी आपके पास रहेगा। नुक्कड़ नाटक कॉम्पिटिशन की प्रतियोगिता कॉलेज महाविद्यालय के प्रांगण में होगा, वहाँ आप सबका स्वागत है। और रंगायन नाट्य समिति के आयोजन समिति के जो सदस्य हैं, विशेष रूप से अमित जी, अनिल जी, अनिल कलोत्रा जी, दीपांकर जी, श्रीधरम सर, रविंदर पंत, गीता देवी जी, बलजीत जी, अनुप्रिया जी और भी जो हमारे मेंबर हैं, उन सब ने लगातार काम करके अपने श्रम से इस पूरे कार्यक्रम को सींचा है और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। उन सबका भी इस मंच से रंगायन समिति की तरफ से, रंगायन की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में विनीता मैम जो हमारी कन्वीनर हैं रंगायन समिति की, उनके कठोर परिश्रम, उनकी तत्परता और हम सबसे समय पर काम लेने की उनकी जो क्षमता है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और प्रिंसिपल सर का तो कहना ही क्या, न कहना ज़्यादा कुछ कह जाता है, सर आपका भी बहुत बहुत आभार। हम मिलते हैं कल मुक्तधारा में, 9 बजे से मुझे लगता है कार्यक्रम हमारा शुरू है। सर एक मिनट बोलना चाहूँगा। डालचंद जी कुछ साझा करना चाहते हैं, प्लीज। सर अभी 26 जनवरी की झांकी निकली थी, मेरी भाभी सगी पूरी हो गई लेकिन काम नहीं छोड़ा, उसको फर्स्ट प्राइज मिला कुत्ता वाली झांकी को, फर्स्ट प्राइज मिला। आज सगी मौसी पूरी हो गई लेकिन पहले ही मेरा काम है, क्योंकि मैं फौजी हूँ, इस काम का फौजी हूँ दिल्ली में, और ये सरस्वती मेरी माँ है। इसलिए सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, पहले कर्म, रिश्तेदारी बाद में, पहले कर्म। इस कर्म के लिए मैंने सिर्फ 36 साल दिए हैं, इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पहले कर्म बाद में रिश्तेदारी। हाथ जोड़ के विनती है, छोटा बच्चा हूँ मैं आपके सामने। लालचंद जी आपको बहुत बहुत बधाई, और रंगायन आपके इस कमिटमेंट को कभी भूलेगा नहीं, हम हमेशा याद रखेंगे। तो मित्रों रात बाकी है, बात बाकी है, लेकिन यहाँ से जाना भी उतना ही ज़रूरी है। मिलते हैं हम लोग कल मुख्यधारा में। थैंक यू, बहुत बहुत आभार।